बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर हार्ट म्यूमर्स है। वैसे ये पैथोलॉजी का टॉपिक है, ठीक है, लेकिन हमने रिसेंटली हार्ट साउंड्स पढ़ी हैं तो ये उससे रिलेट करता है। इट विल बी बेटर कि इसको हम यहाँ डिस्कस कर लें, क्योंकि इनकी जो एमसीक्यूज आती हैं वो फिर एक दूसरे से मिलती जुलती होती हैं, तो ये हमारे लिए बेहतरीन होगा कि इसको हम इधर ही डिस्कस कर लेते हैं। हार्ट मर्मर्स, देखें हमारे जो हार्ट में जो ब्लड का फ्लो होता है वो नॉर्मली कैसे होता है, कि ये अगर कोई चैनल है, वॉल्व है, या कोई वेसल है या कोई चैम्बर है, तो उसमें से जो ब्लड का फ्लो होता है वो ऐसे लीनियर होता है, ठीक है, ऐसे लीनियर, या फिर हम इसको लेमिनर ब्लड फ्लो भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये ब्लड फ्लो लीनियर और लेमिनर की बजाय ऐसे टर्बुलेंट हो जाए, ऐसे ऐसे एबनॉर्मल हो जाए, कि अब ये लीनियर फ्लो नहीं रहा, अब ये एबनॉर्मल हो गया है, तो ये फिर इस फ्लो को कहते हैं, टर्बुलेंट ब्लड फ्लो। क्या बोलते हैं इसको? टर्बुलेंट ब्लड फ्लो। देखिए मैंने दो चीजें बताई हैं, एक है लीनियर ब्लड फ्लो, ये सीधा जाएगा लीनियर ब्लड फ्लो, दूसरा होता है टर्बुलेंट ब्लड फ्लो, कि आपका ब्लड जो है ना सीधा नहीं जाएगा, आगे पीछे, जैसे बर्तन में पानी डाला ना ऊपर से, तो वो टर्बुलेंट ब्लड फ्लो देता है। तो एक लीनियर ब्लड फ्लो, एक टर्बुलेंट ब्लड फ्लो। जो टर्बुलेंट ब्लड फ्लो है, जब ये वेसल से, यानी आपके हार्ट के चैनल से, वो वाल्व्स हो, वो चैम्बर्स हो या वेसल्स हो, जब उनमें से गुजरता है, इट प्रोड्यूस द नॉइस, ये एक साउंड प्रोड्यूस करता है, या फिर हम कह सकते हैं एबनॉर्मल साउंड होती है। क्या होती है वो? नॉर्मल साउंड नहीं होती, एबनॉर्मल साउंड होती है। उन साउंड्स को हम बोलते हैं हार्ट मर्मर्स, उनको हम क्या बोलते हैं? हार्ट मर्मर्स बोलते हैं। तो ये आपके हार्ट मर्मर, ये होते हैं वूशिंग और स्विशिंग, यानी नॉइसी साउंड्स होती हैं, बाय टर्बुलेंट ब्लड फ्लो थ्रू हार्ट चैम्बर्स, वाल्व्स, वेसल्स एंड चैनल्स। जब मैं वर्ड चैनल्स बोलूं तब आप समझ लिया करें कि इसमें हार्ट के चैम्बर्स भी आ गए, वेसल्स भी आ गए, वाल्व्स, सब कुछ आ गया, ठीक है। तो ये आपके हार्ट मर्मर्स की डेफिनेशन थी, ठीक है। तो हार्ट मर्मर्स होते क्या हैं, और ये इनका दूसरा नाम, अब अगर वो हार्ट मर्मर्स की जगह पर एबनॉर्मल हार्ट साउंड्स वर्ड यूज करें तो आप उसको समझे कि ये हार्ट मर्मर्स की बात कर रहा है, या फिर वो कार्डियक ब्रूट की बात करें तो फिर भी वो किसकी बात कर रहा है, मतलब हार्ट मर्मर्स की। बाज दफा हमें एमसीक्यू तो आती होती है, लेकिन वो हार्ट मर्मर्स की जगह पर वर्ड यूज करते हैं कार्डियक ब्रूट, हम कहते हैं यार ये क्या होता है, ये तो हमने नहीं पढ़ा, तो फिर वो जो एमसीक्यू आती है वो भी हम क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। तो इसको गौर से देखिएगा, ये जो कंसेप्ट अभी पढ़ा रहा हूँ, ये पूरे हार्ट मर्मर्स, ये मर्मर्स में ये वाला कंसेप्ट घूमता रहेगा। आसान सा है, फिजियोलॉजी ऑफ मर्मर्स, के मर्मर्स की फिजियो क्या होती है, कि देखें टर्बुलेंट ब्लड फ्लो ग्रेटर, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हार्ट मर्मर्स के। अब मैंने कहा कि ब्लड फ्लो क्या होता है, लीनियर, लेमिनर, तो नो हार्ट साउंड। अगर ये टर्बुलेंट है तो हार्ट मर्मर्स आएंगे, क्या आएंगे? हार्ट मर्मर्स। अब अगर मैं कहता हूं कि यही मर्मर्स, यही जो टर्बुलेंट ब्लड फ्लो है, ये वाला, ये टर्बुलेंट ब्लड फ्लो ज्यादा है, तो मर्मर भी क्या होंगे? ज्यादा होंगे, ऑफकोर्स, मर्मर भी क्या होंगे? ज्यादा होंगे। सिंपल सा कंसेप्ट है। मैंने क्या कहा कि अगर टर्बुलेंट ब्लड फ्लो ज्यादा है तो मर्मर भी क्या होंगे? ज्यादा होंगे। समझ आ गई ये चीज, कि टर्बुलेंट ब्लड फ्लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मर्मर्स साउंड्स। दूसरी चीज, अब कहता है वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टर्बुलेंट ब्लड फ्लो। अब ये टर्बुलेंट जो ब्लड फ्लो है ये किस पे डिपेंड करता है? ये वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। अगर ब्लड का फ्लो जो है वो टर्बुलेंट है, लेमिनर नहीं है, और वेलोसिटी क्या है? ज्यादा है, स्पीड के साथ उसका जो ब्लड फ्लो है वो टर्बुलेंट ब्लड फ्लो है, वो स्पीड के साथ है, वेलोसिटी ज्यादा तो टर्बुलेंट ब्लड फ्लो ज्यादा, टर्बुलेंट ब्लड फ्लो ज्यादा तो हार्ट मर्मर्स ज्यादा। तो वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टर्बुलेंट ऑफ ब्लड फ्लो। अब वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? वेलोसिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्शन फोर्स, योर हाइपरडायनामिक स्टेट। ये क्या है? ये आपके वेंट्रिकल्स, एट्रिया, ये वेंट्रिकल्स हम कहते हैं हाइपरडायनामिक स्टेट है। कौन सी? मतलब हाइपरडायनामिक स्टेट का मतलब यहां से जो कॉन्ट्रैक्शन की फोर्स है वो क्या है? ज्यादा। जब कॉन्ट्रैक्शन की फोर्स ज्यादा है
तो ज्यादा फोर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, है ना। जब ये फोर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एओर्टा से जो ब्लड निकलेगा वो स्पीड के साथ जाएगा कि नहीं, उसकी स्पीड ज्यादा होगी ना। जब स्पीड ज्यादा तो मतलब उसकी वेलोसिटी ज्यादा, वेलोसिटी ज्यादा तो टर्बुलेंट ब्लड फ्लो ज्यादा, टर्बुलेंट ब्लड फ्लो ज्यादा तो मर्मर्स ज्यादा। डिड यू गेट द पॉइंट? आसान से है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज जो वेलोसिटी को बढ़ाती है, डिक्रीज इन डायमीटर ऑफ द चैनल्स। अब मैं कहता हूं एक सुराख है उसका डायमीटर इतना है और एक दूसरा है उसका डायमीटर इतना है, तो स्पीड किस में तेज होगी, इसमें के इसमें? ऑफ कोर्स डायमीटर कम है, जिसका डायमीटर कम है, ये नंबर वन ये नंबर टू, तो स्पीड किस में तेज होगी, वन में, क्योंकि इसका डायमीटर क्या है कम। तो जिसका डायमीटर कम होगा उसमें से चीज जरा तेजी से गुजरेगी। तो मैं आप रिपीट करता हूँ चीजें, मैं एक ही चीज में एक ही सिक्वेंस में रिपीट करता हूँ चीजें, आप उसको मुझे आंसर करेंगे आसान से, आई होप आप आंसर करेंगे। मैं कहता हूँ डायमीटर है कम, वेलोसिटी क्या होगी ज्यादा। मैं कहता हूँ वेलोसिटी है ज्यादा तो आपका जो टर्बुलेंट ब्लड फ्लो है वो क्या होगा, मैं कहता हूँ टर्बुलेंट ब्लड फ्लो है ज्यादा तो आपका मर्मर क्या होगा। मैं ये कंसेप्ट समझाना चाह रहा था आपको, समझ आ गया। अच्छा अगली चीज, अब आपका जो टर्बुलेंट ब्लड फ्लो है ये विस्कोसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, एक तो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है हमने अभी देख लिया, ये डिपेंड करता है आपकी विस्कोसिटी के ऊपर। वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और विस्कोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे देखिए, अब शहद ले ले ठीक है, और उधर से आप पानी ले ले वाटर ले ले ठीक है, अब इनमें से कौन किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, इसमें से वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी, ऑफ कोर्स वाटर की वेलोसिटी क्या होगी ज्यादा। तो वाटर की विस्कोसिटी, विस्कोसिटी वाटर की क्या है, ज्यादा के कम, कम क्यों, क्योंकि वाटर पतला है इसकी विस्कोसिटी कम, शहद गाढ़ा है इसकी विस्कोसिटी ज्यादा, इसकी विस्कोसिटी क्या होगी ज्यादा। अब जिसकी विस्कोसिटी, अगर मैं कहता हूं विस्कोसिटी क्या है कम, विस्कोसिटी कम, वेलोसिटी ज्यादा, टर्बुलेंट ब्लड फ्लो ज्यादा, टर्बुलेंट ब्लड फ्लो ज्यादा तो मर्मर ज्यादा। तो देखें टर्बुलेंट ब्लड फ्लो विस्कोसिटी के क्या आ रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कि विस्कोसिटी कम तो टर्बुलेंट ब्लड फ्लो ज्यादा। अब आपकी जो विस्कोसिटी है, अब यहां पर तो मैंने वैसे वाटर और शहद की मिसाल दी, ब्लड के हवाले से हम विस्कोसिटी क्या देखते हैं, उसकी हीमेटोक्रिट वैल्यू, नंबर ऑफ आरबीसीज, अगर आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स नंबर है ज्यादा तो आपकी हीमेटोक्रिट वैल्यू क्या होगी। हीमेटोक्रिट वैल्यू को पता है, नहीं पता, हीमेटोक्रिट इज द नंबर ऑफ आरबीसीज इन योर ब्लड वॉल्यूम, आपके प्लाज्मा में जितने आरबीसीज हैं दैट इज कॉल्ड योर हीमेटोक्रिट वैल्यू, अगर आरबीसीज ज्यादा तो हीमेटोक्रिट मतलब हीमेटोक्रिट वैल्यू, मतलब अगर आपके आरबीसीज पैक्ड सर्वाइवल यस, मगर अगर मतलब अगर आपके आरबीसीज ज्यादा हैं तो आपका ब्लड क्या होगा गाढ़ा होगा, उसकी विस्कोसिटी क्या होगी ज्यादा होगी, उसका हीमेटोक्रिट वैल्यू क्या होगी ज्यादा। देखिए आरबीसीज ज्यादा तो आपका ब्लड क्या होगा थिक होगा, क्या होगा थिकनेस ज्यादा होगी, मतलब वो क्या होगा आपकी हीमेटोक्रिट वैल्यू क्या होगी ज्यादा होगी और उसकी विस्कोसिटी भी क्या होगी ज्यादा होगी, ये होता है। अब मैं कहता हूं कि आरबीसीज क्या है ज्यादा, आरबीसीज क्या है ज्यादा तो मतलब हीमेटोक्रिट वैल्यू क्या है ज्यादा, मतलब विस्कोसिटी क्या है, अगर विस्कोसिटी ज्यादा तो वेलोसिटी कम, वेलोसिटी कम तो टर्बुलेंट ब्लड फ्लो कम, टर्बुलेंट ब्लड फ्लो कम तो मर्मर्स कम, मर्मर्स कम आने का मतलब है कि मर्मर्स की जो साउंड आ रही होगी वो क्या होगी कम होगी। समझ आ गया, समझ आ गया, ये सिंपल सा कंसेप्ट था, ये घूमता रहेगा आगे, मैं आगे फिर बार बार नहीं समझाऊंगा, मैं सिंपल वर्ड बोल दिया करूंगा, आई होप सो दैट कि आपके माइंड जो है उसको पिक कर लिया करेंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है। आगे देखें, ये यहां तक हमने देख लिया, ये देखें इनकम्पिटेंट वाल्व यानी रीगर्जिटेशन वाल्व कॉजेस इंक्रीज इन मर्मर्स एज वेल, जो इनकम्पिटेंट या रीगर्जिटेशन वाल्व होते हैं मतलब आपके वाल्व क्या होते हैं लीक होते हैं, ये आपका एट्रिया और ये आपके वेंट्रिकल्स, यहाँ पे आपका माइट्रल वाल्व और यहाँ पे आपका ट्राइकस्पिड वाल्व। अब माइट्रल वाल्व की रीगर्जिटेशन, माइट्रल वाल्व में कहता हूँ रीगर्जिटेशन हो गया इसकी, इस बात का क्या मतलब है, स्पीड मेरी ठीक है तेज तो नहीं है ठीक है, कि जब आपके वेंट्रिकल्स ने किया कॉन्ट्रैक्ट, वेंट्रिकल्स ने क्या किया
कॉन्ट्रैक्ट्स। जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो कौन सा वाल्व बंद होंगे, कौन से वाल्व की क्लोजर होगी? माइट्रल वाल्व एंड ट्राइकस्पिड वाल्व। माइट्रल वाल्व की क्लोजर होगी और ट्राइकस्पिड वाल्व की क्या होगी? क्लोजर, ताकि ब्लड का फ्लो बैक ना हो, एट्रियम में फ्लो बैक ना हो। इट प्रोड्यूसेस द साउंड विच वन? S1। माइट्रल वाल्व क्लोजर एंड ट्राइकस्पिड वाल्व प्रोड्यूसेस S1। अच्छा, इनकी क्लोजर होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके माइट्रल वाल्व लीकी हो, ये सही तरह ऐसे होते हैं, ठीक है, ये खुले हुए हैं, सॉरी ये ऐसे खुले हुए हैं, ये जब बंद होते हैं तो ऐसे बंद हो जाते हैं। अगर ये बंद नहीं होते, ये ऐसे लीकी रह जाते हैं बीच में, अब ये लीकी है, तो यहां से जब ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड ऊपर एट्रिया की तरफ जाएगा। दिस इज कॉल्ड रीगर्जिटेशन, दिस इज कॉल्ड रीगर्जिटेशन। जब ब्लड ऊपर जाएगा यहां से, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ब्लड यहां से निकलकर इन जो एट्रिया की जो वॉल्स है उनके साथ क्या करेगा? टकराएगा, और टर्बुलेंट टकराएगा, यानी एब्नॉर्मल जाके ऐसे टकराएगा, ऐसे एब्नॉर्मल, तो इट विल प्रोड्यूस द साउंड दैट इज मर्मर्स। तो आपके जो रीगर्जिटेशन वाल्व होते हैं वो भी क्या प्रोड्यूस करते हैं? आपके मर्मर्स प्रोड्यूस करते हैं। समझ आ गया? तो ये इनकम्पिटेंट वाल्व रीगर्जिटेशन कॉजेस इंक्रीज इन मर्मर्स एज वेल एज एज, मतलब रीगर्जिटेशन जितनी ज्यादा होगी मर्मर्स उतने ज्यादा होंगे, क्योंकि लीक उतना ज्यादा होगा वाल्व, ब्लड उतना ज्यादा जाएगा, टर्बुलेंट फ्लो, ब्लड फ्लो उतना ज्यादा होगा। नो एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू द डायमीटर, के हमने डायमीटर देखा ना ऊपर, अब डायमीटर के बारे से कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। डायमीटर पता है ना, हमने जो डायमीटर की भी बात की थी। अब देखिए, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, पहले ये देख लें कि वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट क्या होता है। जब मैंने एम्ब्रियो पढ़ाई थी तो मैंने उसमें कहा था कि ये एक ट्यूब होती है, ठीक है, तो पहले आपका इंटर एट्रियल सेप्टल सेप्टम बनता है, ये वाला एंडोकार्डियल कुशन होता है। फिर मैंने कहा था आपका इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम बनता है, जो आपके वेंट्रिकल्स को सेपरेट करता है, और इधर भी ये भी सेपरेशन हो रही थी। तो मैंने कहा था जब ये सेपरेशन होती है तो यहाँ बाज दफा बीच में यहाँ पर एक सुराख रह जाता है, दैट इज कॉल्ड वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। कि आपका जो वेंट्रिकुलर सेप्टम जो बन रहा होता है, जो आपके वेंट्रिकल्स को सेपरेट करते हैं, उससे अलग अलग करता है, तो वो यहाँ पर प्रॉपर तौर पर नहीं बन पाता और यहाँ पर एक सुराख रह जाता है। तो ये दोनों वेंट्रिकल्स आपस में, इनका मतलब के बीच में एक सुराख होता है, दिस इज कॉल्ड योर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तो इसको हम वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट बोलते हैं। तो ये यहाँ पर भी देख लें, ये देखें आपका, ये देख लें, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल, इनके बीच में ये सुराख रह गया, नजर आ रहा है? दैट इज कॉल्ड योर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ये जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें ये सुराख रह जाता है, ठीक है, तो ये आपका वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है। अब वो बात करता है कि समालर वीएसडी, अब वीएसडी में आपका मर्मर कैसे पैदा होगा? पहले ये देख ले, पहले इसको देख ले। अब प्रेशर लेफ्ट हार्ट में ज्यादा होता है कि राइट हार्ट में? लेफ्ट हार्ट में प्रेशर ज्यादा होता है। जब इधर प्रेशर होगा ज्यादा, इधर प्रेशर क्या है? कम, तो इधर सुराख है, तो ब्लड इधर से इधर मूव करेगा कि इधर से इधर मूव करेगा? लेफ्ट से राइट मूव करेगा ब्लड। जब ब्लड यहां से यहां मूव करता है तो ये वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट यहां से गुजरता है, तो यहां पर जब वो यहां से टर्बुलेंट ब्लड फ्लो देता है, क्या देता है? तो इससे क्या देता है? टर्बुलेंट ब्लड फ्लो। तो यहां पर क्या प्रोड्यूस होता है? आपका मर्मर प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है? मर्मर। अब ये मर्मर ज्यादा होगा कि कम होगा, ये किस पे डिपेंड करता है? आपके वीएसडी के डायमीटर के ऊपर, वीएसडी के डायमीटर के ऊपर। अगर मैं कहता हूं इसका डायमीटर है कम, मतलब सुराख क्या है? कम है, छोटा सा सुराख रह गया, छोटा सा सुराख है, डायमीटर कम, वेलोसिटी ज्यादा, टर्बुलेंट ब्लड फ्लो ज्यादा, मर्मर, तो मर्मर आपको ज्यादा सुनाई दे रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कहता हूं डायमीटर, अगर ये ज्यादा है, सुराख क्या है? ज्यादा, डायमीटर ज्यादा, तो मर्मर क्या होगा? कम। मर्मर क्या होगा? कम, इसके अपोजिट होगा, ठीक है। अब यहां पर एक चीज जो अक्सर मतलब के जो अब कार्डियोलॉजिस्ट के बारे में तो नहीं कह सकता, उनको पता होता है, लेकिन कुछ डॉक्टर्स क्या कहते हैं, डॉक्टर्स भी कुछ लोग भी कहते हैं कि अगर स्टूडेंट्स भी कहते हैं कि अगर मर्मर आ रहा है कम, साउंड आ रही है कम, एंड मर्मर इज द एबनॉर्मल साउंड, तो हम कहते हैं कि एबनॉर्मल साउंड कम आ रही है, इट डज मीन दैट कि वीएसडी कम होगा। हम कहते हैं वीएसडी क्या होगा? कम, मतलब बच्चा कम बीमार है, लेकिन उलट है, क्योंकि अगर मर्मर कम आ रहा है मतलब डायमीटर क्या है? मतलब सुराख बड़ा है भाई, शंट बड़ा है, सुराख बड़ा है, मतलब बीमारी ज्यादा है, तो ये उलट होता है, ठीक है।
अगर आवाज कम आ रही है तो मतलब बीमारी ज्यादा है, और अगर आवाज ज्यादा आ रही है तो बीमारी क्या है, छोटी है, क्योंकि वो उसका डायमीटर बढ़ जाता है। ठीक है, ये बात समझ आ गई है। तो ये इस तरह आपका VST से मर्मर पैदा होता है और उसका डायमीटर से क्या रोल होता है, ये मैंने समझा दिया। ये VST आगे बार बार कोरिलेट होता रहेगा। सो स्मॉलर VST, डायमीटर कम है, इंक्रीज द वेलोसिटी, इंक्रीज द टर्बुलेंट ब्लड फ्लो, इंक्रीज द मर्मर, एंड वाइस वर्सा। इसी तरह अगर ज्यादा होगा तो यही होगा। तो VST आई होप आपको समझ आ गया होगा। नाउ कोआर्कटेशन ऑफ एओर्टा, कोआर्कटेशन ऑफ एओर्टा क्या होता है? कोआर्कटेशन ऑफ एओर्टा ये होता है कि ये देख ले कि वैसे बेसिकली जब आपका ये पहले अपनी शक्ल बना लेते हैं हम अपने हाथ से, ये वेंट्रिकल्स, जब आपका यहाँ से एओर्टा निकलता है तो ये ऐसे आर्च ऑफ एओर्टा, फिर डिसेंडिंग एओर्टा, असेंडिंग एओर्टा, तो ये यहाँ पे ये नॉर्मल होता है। क्या होता है? नॉर्मल होता है, ठीक है। लेकिन बाज दफा क्या होता है कि ये यहाँ पर सुकड़ जाता है, इसको यहाँ पे ऐसे नॉर्मल होना चाहिए बराबर, लेकिन ये क्या होता है, यहाँ से ठीक है, यहाँ से ठीक है, यहाँ से आके सुकड़ गया और यहाँ से फिर दोबारा खुल गया। तो ये जो सुकड़ा हुआ ऐसा एओर्टा का, दिस इज कॉल्ड कोआर्कटेशन ऑफ एओर्टा। इसको क्या बोलते हैं? कोआर्कटेशन ऑफ एओर्टा। समझ आ गई है? तो ये देख ले इधर आप डायग्राम के ऊपर जो यहाँ पर है, ये देखें सुकड़ा हुआ है, दिस इज कॉल्ड योर कोआर्कटेशन ऑफ एओर्टा। समझ आ गया कोआर्कटेशन ऑफ एओर्टा? रिपीट कर दूं, देखें नॉर्मली तो ये सुकड़ा हुआ नहीं होता, ये ऐसे होता है, लेकिन यहां पर देखें ये सुकड़ा हुआ है, इसका डायमीटर क्या हो गया है, डायमीटर कम हो गया ना, सुकड़ा हुआ है। जब दिस इज कॉल्ड कोआर्कटेशन ऑफ एओर्टा, डायमीटर कम, वेलोसिटी, टर्बुलेंट ब्लड फ्लो, मर्मर ज्यादा, तो आपका मर्मर क्या आएगा, इससे प्रोड्यूस होगा अगर कोआर्कटेशन ऑफ एओर्टा होगा। तो कोआर्कटेशन ऑफ एओर्टा समझ आ गई है भाई? आसान आसान सी चीजें हैं भाई, यही चीजें रिपीट होती रहेंगी, डायमीटर, वेलोसिटी, वॉल्यूम, प्रेशर, ये चीजें। तो स्मॉलर डायमीटर, इंक्रीज वेलोसिटी, इंक्रीज टर्बुलेंट ब्लड फ्लो, इंक्रीज द मर्मर, एंड वाइस वर्सा। ठीक है सर, वाइस वर्सा एक बार रिपीट कर दीजिए। वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब अगर ये डायमीटर ज्यादा होगा तो वेलोसिटी कम, टर्बुलेंट ब्लड फ्लो कम, मर्मर भी कम, ये वाइस वर्सा आपका। ठीक है, मतलब इसके उलट, जो ऊपर लिखा हुआ है इसका उलट ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका एओर्टिक स्टेनोसिस। अब एओर्टिक स्टेनोसिस क्या होता है, देखिए ये आपका एट्रिया, ये आपका वेंट्रिकल्स, अब यहां से आपका ये निकल रहा है आपका एओर्टा, अब यहां पर कौन सा वाल्व होता है, एओर्टिक वाल्व। ठीक है, कौन सा वाल्व होता है, एओर्टिक वाल्व। अगर एओर्टिक वाल्व में हो गया स्टेनोसिस, स्टेनोसिस का मतलब है ये ब्लॉक हो गया, ये ऐसे ब्लॉक है, ये क्या है, ब्लॉक है। जब आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या आप ब्लड यहां से इजीली बाहर निकल जाएगा, नहीं, आपके ये कस्प जुड़े हुए हैं, ये तो ब्लॉक है, इसको जोर लगाना पड़ेगा, तो ब्लड वो लिटिल स्क्वीजिंग, इसमें थोड़ा सा सुराख निकलेगा, थोड़े से खुलेंगे ये, तो यहां से ब्लड बड़ी मुश्किल से गुजरेगा, बड़ी डायमीटर लेस, सो इट विल प्रोड्यूस द मर्मर, इट विल प्रोड्यूस द मर्मर। तो यहां से क्या प्रोड्यूस होगा आपका, मर्मर प्रोड्यूस हो जाएगा। सेम चीज, स्मॉलर डायमीटर, इंक्रीज द वेलोसिटी, इंक्रीज द मर्मर। तो ये एओर्टिक स्टेनोसिस होती है। इसी तरह पल्मोनरी स्टेनोसिस होगी तो वहां पर भी यही चीज होगा। पल्मोनरी स्टेनोसिस क्या होगी, कि आपकी जो पल्मोनरी आर्टरी होगी जो राइट वेंट्रिकल से निकलती है, उसमें जो वाल्व होगा उसमें क्या होगी, स्टेनोसिस, वो ब्लॉक होगा। अगेन स्मॉल डायमीटर, इंक्रीज द टर्बुलेंट ब्लड फ्लो, इंक्रीज द मर्मर। समझ आ गई है, नहीं समझ आई, रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है यहां तक। चले, हाइपरट्रॉफिक, हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, इसको शॉर्ट फॉर्म में हुकम भी बोलते हैं, HOCM। ठीक है, तो ये क्या होता है, पहले ये देख ले। अब देखिए नॉर्मली, चलो यहां से मैं देता हूं, नॉर्मली ये आपका नॉर्मल हार्ट है, ये देखिए इसमें क्या होता है कि ये आपका राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, ये देखिए ये नॉर्मल है, ये जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है ये वाला, ये क्या है आपका इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये मैंने अभी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट पढ़ाया, तो यहाँ पर डिफेक्ट होता है, यहाँ पर सुराख होता है, वो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट था। लेकिन हुकम क्या होता है, HOCM क्या होता है, इसमें ये होता है कि ये देखें ये नॉर्मल है, और यहां से ये आपका कौन सा वाल्व है, एओर्टिक वाल्व है, यहां से जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो यहां से ब्लड आपका इजिली बाहर निकल जाता है। ठीक है, लेकिन यहां पर देखें ये इसकी हो गई है थिकनेस, ये क्या हो गया,
थिक, अब ये नॉर्मल है नहीं, अब ये थिक हो गया है, तो जब ये थिक हो गया तो ये जो पैसेज है ना ये वेंट्रिकल, वेंट्रिकल छोटा हो गया, अब वेंट्रिकल से जो ब्लड यहाँ से स्क्वीज होकर यहाँ से ज्यादा था योल्टेक बाल से, अब इसका जो रास्ता है ये क्या हो गया है छोटा हो गया, जब रास्ता छोटा हो गया तो डायमीटर, डायमीटर कम तो वेलोसिटी, वेलोसिटी ज्यादा तो टर्बुलेंट ब्लड फ्लो ज्यादा, तो आपका मर्मर ज्यादा, इट प्रोड्यूस द मर्मर एंड वाइस वर्सा। डिड यू गेट द पॉइंट? आसान सा था कि नहीं? तो ये आपका HOCM हार्ट है, ये आपका नॉर्मल हार्ट है, तो यही कुछ लिखा हुआ है। हाइपरट्रॉफी, थिक इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम क्या हो गया है थिक हो गया, ठीक है, लीड्स टू नर्विंग ऑफ ब्लड पैसेज फ्रॉम वेंट्रिकल टू इओटा, तो वेंट्रिकल से इओटा में जो ब्लड जाएगा उसका जो पैसेज है वो क्या हो गया नैरो हो गया, सो स्मॉलर दी डायमीटर इंक्रीज द वेलोसिटी इंक्रीज द मर्मर एंड, तो ये आपका हार्ट वो वाला, तो ये भी उसमें डाल दिया है ताकि कहते हैं ना मेडिकल स्टूडेंट्स के हार्ट इस तरह नहीं होता, क्यों नहीं होता, अभी हमने ऊपर बनाया हुआ है अपना, चले हम कहते हैं कि ये हार्ट यहाँ पे जिंदा रहे, वो कुछ पता नहीं, कुछ इस तरह का शेर था कि पकड़ के नब्ज हकीम बोला के वो तुझ में जिंदा है जिस पे तू मर चुका है, चले इसको नहीं नहीं बस ऐसे ही कल लिखा हुआ था तो मैंने पढ़ लिया तो मैंने बोल, चले खैर एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू कॉन्ट्रेक्शन फोर्स, देखिए हमने वहां पर बात की डायमीटर की बात भी की थी, हमने कहा था डायमीटर से वेलोसिटी इंक्रीज होती है और हमने कहा था कि कॉन्ट्रेक्शन फोर्स से भी वेलोसिटी के ऊपर असर पड़ता है, अभी देखा ना हमने ऊपर कि कॉन्ट्रेक्शन फोर्स से भी, अब कॉन्ट्रेक्शन फोर्स में हम हाइपरडायनामिक स्टेट देखते हैं, हाइपरडायनामिक स्टेट क्या होती है मैंने पहले भी बताया था कि आपका सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है ये क्या हो जाता है एक्टिव हो जाता है, जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है तो आपकी ये आपके जो वेंट्रिकल्स हैं ये जरा इनकी जो कॉन्ट्रैक्ट करने की जो फोर्स होती है वो क्या जाती है बढ़ जाती है, दिस इज कॉल्ड योर हाइपरडायनामिक स्टेट, कि सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम ओवरएक्टिव हो जाएगा और आपके वेंट्रिकल्स जरा फोर्स से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, नो टेल मी प्लीज व्हेन फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन विल बी ग्रेटर, तो जो इओल्टा से वेंट्रिकल से ब्लड इओल्टा में आएगा उनकी स्पीड क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, टर्बुलेंट ब्लड फ्लो ज्यादा, टर्बुलेंट ब्लड फ्लो ज्यादा तो मर्मर भी ज्यादा, सो इट विल प्रोड्यूस द मर्मर, हेपेटोनमिक स्टेट, ठीक है, और ये फिजियोलॉजिकल होता है, ये नॉर्मल होती है, ठीक है, और अगर ओवर एक्टिव हो जाए आपका सिस्टम सिंपैथेटिक तो फिर वो एबनॉर्मल हो जाता है, ठीक है, अगर कुछ ज्यादा ही आ रही है आवाज मर्मर की तो मतलब ज्यादा ओवर एक्टिव, इंक्रीज इन कंट्रेक्शन फोर्स इंक्रीज द वेलोसिटी इंक्रीज द टर्बुलेंट ब्लड फ्लो इंक्रीज द मर्मर्स, अच्छा वो कौन सी कंडीशन है जिसमें आपका हेपेटोनमिक स्टेट ओवर एक्टिव, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मतलब आपकी एक्सरसाइज के बाद, ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है, फीवर सेप्टिक शॉक में आपका सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव होता है, इंक्रीज T3 एंड T4 ये क्या होता है, इंक्रीज T3 एंड T4 इट इज आल्सो कॉल्ड थायरोटॉक्सिकोसिस, टॉक्सिन इन योर बॉडी, तो ये हो जाता है, एंड प्रेगनेंसी इंक्रीज द ब्लड वॉल्यूम, मैंने बताया था प्रेगनेंसी में ब्लड वॉल्यूम ज्यादा क्यों होता है, उसको फीटस को भी ब्लड सप्लाई करना होता है, सो वो उसको ज्यादा फोर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है ताकि वो मदर जो है अपनी बॉडी को भी सप्लाई करे और बच्चे की बॉडी को भी सप्लाई करे। नाउ वी विल टॉक अबाउट द विस्कोसिटी, एग्जांपल रिलेटेड टू विस्कोसिटी, लेट मी चेक कि मैंने कोई नमूना तो यहाँ पर नहीं प्रिपेयर किया था, नो नॉट एट ऑल, अच्छा विस्कोसिटी, अब विस्कोसिटी के हवाले से डॉक्टर मनोहर कोई क्वेश्चन है आपका, हाइपरडायनामिक का मतलब आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ना ये ओवर एक्टिव हो चुका है, ज्यादा एक्टिव हो चुका है, ठीक है, आपका जो वेंट्रिकल्स हैं वो ज्यादा फोर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उनकी जो कॉन्ट्रैक्शन की फोर्स है वो ज्यादा फोर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दिस इज योर हाइपरडायनामिक स्टेट, के डायनामिक से हाइपर हो गया ऊपर हो गया, दिस इज योर हाइपरडायनामिक स्टेट। अब विस्कोसिटी की एग्जांपल्स अभी हमने ऊपर डिस्कस की है, एनीमिया, एनीमिया मतलब एनीमिया में क्या होता है आपका आरबीसीज क्या होते हैं, आरबीसीज कम, हिमेटोक्रिट वैल्यू कम, विस्कोसिटी विस्कोसिटी क्या होगी, विस्कोसिटी कम, विस्कोसिटी कम तो वेलोसिटी इंक्रीज, टर्बुलेंट ब्लड फ्लो इंक्रीज और मर्मर इंक्रीज, तो आपको एनीमिया होगा तब भी आपको मर्मर्स ज्यादा आ रहे होंगे, आपको मर्मर्स तब भी हो सकते हैं जब आपको एनीमिया होगा, ठीक है,
अगर मर्मर्स आ रहे हैं तो यू मे से दैट इट्स बिकॉज ऑफ द एनीमिया। डिटेल में इसको हम आगे डिस्कस करते हैं, हम जो जो आगे बढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह ताला आपके माइंड में। मैंने चीजें कुछ इस तरह प्रिपेयर किए हैं कि जीरो से हीरो की तरफ मूव करें। सो डिक्रीज द आरबीसीज, डिक्रीज द हेमेटोक्रिट वैल्यू, डिक्रीज द विस्कोसिटी, इंक्रीज द वेलोसिटी, इंक्रीज द नो एग्जांपल्स रिलेटेड टू द इनकॉम्पिटेंट वाल्व। अभी मैंने इनकॉम्पिटेंट का बताया था कि जब उसमें रीगर्जिटेशन होती है तो क्या प्रोड्यूस होते हैं आपके मर्मर्स। तो रीगर्जिटेशन में कौन से आते हैं? योल्टिक रीगर्जिटेशन। योल्टिक रीगर्जिटेशन क्या होता है? एट्रिया, वेंट्रिकल्स, ये आपका मैं इसको बोलता हूँ योल्टा, और मैं इसको बोल देता हूँ आपका, सॉरी इसको मैं बोल देता हूँ आपका पल्मोनरी ट्रंक। अब इस पे के बारे में डिस्कस करते हैं। जो इधर वाल्व होता है ये होता है योल्टिक वाल्व, इधर पल्मोनरी वाल्व, इधर ट्राइकस्पिड वाल्व, इधर बाइकस्पिड मेट्रल वाल्व हम कह सकते हैं। नाउ डिस्कस अबाउट इट कि अगर आपका योल्टिक वाल्व में रीगर्जिटेशन है उसको हम बोलेंगे योल्टिक रीगर्जिटेशन, मतलब आपका ब्लड योल्टा से वापस आएगा आपके वेंट्रिकल में। जब आपके वेंट्रिकल से रिलैक्स करेंगे तो आपके योल्टिक वाल्व को क्लोज होना चाहिए और ब्लड का फ्लो वापस नहीं आना चाहिए, लेकिन ये लीकी होता है तो ब्लड वापस आ जाता है। जब यहाँ दीवारों से टकराता है टर्बुलेंट ब्लड फ्लो, इट प्रोड्यूस द मर्मर। इसी तरह आपका पल्मोनरी वाल्व, वैसे जब डैशबोर्ड होना चाहिए ये रिलैक्स करने चाहिए तो ब्लड वापस आने की कोशिश करता है तो ये क्लोज होना चाहिए, लेकिन क्लोज नहीं होता, लीकी होता है, ब्लड वापस आता है, इधर टकराता है, प्रोड्यूस द पल्मोनरी रीगर्जिटेशन थी, सो इट प्रोड्यूस द पल्मोनरी रीगर्जिटेशन मर्मर। इसी तरह माइट्रल रीगर्जिटेशन, कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड ऊपर नहीं जाना चाहिए एट्रिया में, लेकिन लीकी है ऊपर जाएगा, तो इसी तरह इधर से भी इसी तरह, ठीक है। तो माइट्रल नहीं, वॉल्व की रेजिस्टेंस तो हम नहीं कह सकते, हम कह सकते कि देखे ब्लड फ्लो हो रहा है उनके बीच में, देखे देखे रीगर्जिटेशन, ये देखे वॉल्व बंद है तो यहां से बिल्कुल जा ही नहीं रहा, बाहर फुल्ली अपोज कर रहे हैं उसको। जब यहां से हल्का सा सुराख हो जाता है तो ब्लड को बाहर जाने का मौका मिल जाता है, लेकिन सुराख अभी छोटा होता है तो यहां भी थोड़ा सा रीगर्ज की वजह से वो प्रोड्यूस होता है, और जाके वो जब दीवारों से टकराता है तो वहां पर भी टर्बुलेंट ब्लड फ्लो की वजह से वहां पर भी आपकी क्या आती है, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, मतलब वॉल्स में जाके आपको ये प्रोड्यूस करेगा। हाँ इलास्टिसिटी, या उसकी इलास्टिसिटी मतलब कि उसमें वो सही तरह से लॉक नहीं हो पाते, क्लोज नहीं हो पाते। सो ब्लड फ्लो बैक टू वेंट्रिकल्स एंड एट्रिया, तो अभी हमने देखा ब्लड वेंट्रिकल्स और एट्रिया में, वेंट्रिकल्स में कहाँ से वापस आएगा? आपके पल्मोनरी आर्टरी से और आपके योल्टा से, और एट्रिया में वापस कहाँ से जाएगा? आपके वेंट्रिकल से वापस एट्रिया में जाएगा। समझ आ रही है चीज? नहीं समझ आ रही है? दोबारा डायग्राम बनाऊं? डायग्राम बनाऊं दोबारा? बना दूं भाई, सिंपल से देखें, ये आपके एट्रिया, ये आपके वेंट्रिकल्स, ये आपका योर्टा, ये आपका पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। जब योल्टिक रिगर्जिटेशन होगी तो ब्लड यहां से वापस आएगा ना, और वेंट्रिकल में वापस आ रहा है। जब पल्मोनरी रिगर्जिटेशन होगी ब्लड यहां से वापस आए कहां आ रहा है? वेंट्रिकल में वापस आ रहा है, ठीक है। और जब आपके माइट्रल रिगर्जिटेशन होगी, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन होगी, तो ब्लड वेंट्रिकल से एट्रिया में वापस जा रहा है, ठीक है। ये कहां वापस जा रहा है? एट्रिया में वापस जा रहा है। तो ये वो बात बता रहा है, ब्लड फ्लो बैक टू वेंट्रिकल्स एंड एट्रिया। सो टर्बुलेंट ब्लड फ्लो अक्रॉस द वॉल्स ऑफ चैम्बर गिव मर्मर्स, जब वो इधर आएगा तो इन वॉल्स के साथ टर्बुलेंट ब्लड फ्लो देगा, इधर भी इधर भी इधर भी, एंड प्रोड्यूस द, हाँ रिगर्जिटेशन होगी तो ब्लड फ्लो बैक जाएगा और वहां से टकराएगा दीवारों से, तो ये रिगर्जिटेशन देगा फिर। तो समझ आ गई चीज? ये तो थी सिंपल सी चीज, अभी आपके मर्मर स्टार्ट होंगे। जो भी पढ़ाने लगा हूं इसको रट्टा मार लो, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस आते हैं यूएसएमएली के वो इसकी बेस पे आते हैं, और आपको मैं रट्टा मारने का तरीका भी बताऊंगा कि रट्टा कैसे मारना है, ठीक है। सो लोकेशन, ये आपने पहले देखी हुई है लोकेशन, आसान से इतना मुश्किल भी नहीं है। ऑल पीपल इंजॉय टेकिंग मनी, ये निमोनिक है, इसको याद कर ले। ऑल ए से योल्टिक वाल, पी से पल्मोनरी वाल, ई से अब्स पॉइंट, टी से ट्राइकस्पिड वाल, एम से माइट्रल वाल, ओके नो। अब यहां पर देखिए, योल्टिक वाल हमें कहां पे सुनाई देता है? राइट सेकंड, ये पहले यहां से देख ले, योल्टिक वाल आपको सुनाई देता है राइट सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस के ऊपर, ठीक है। पल्मोनरी वाल आपको कहां पे सुनाई देता है?
लेफ्ट सेकेंड इंटरकॉस्टल, ये मैंने पहले पढ़ाया था ना लोकेशन में, लेफ्ट सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस के ऊपर, ये मैंने कहा था यहाँ पे अब्स पॉइंट होता है, ये कहाँ पे चला देता है आपको लेफ्ट थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस के ऊपर, ट्राइकस्पिड वाल्व लेफ्ट फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस के ऊपर, माइट्रल वाल्व आपको लेफ्ट फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस लेकिन मिड क्लेविकुलर लाइन, कहां पर मिड क्लेविकुलर लाइन, ये तो आपको याद है, याद है ना, चले ये तो शुक्र है कि आपको याद है। चले अब ये मुझे नहीं समझाना पड़ेगा, अब जो समझने की बात है वो क्या है, देखिए बहुत आसान है, बहुत आसान है, सिंपल सिंपल चीजें हैं। देखिए वो कहते हैं राइट सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस का दूसरा नाम ये भी होता है आर यू एस बी, राइट अपर स्टर्नल बॉर्डर, राइट अपर, ये देखें ये आपका ये स्टर्नम है ना, ये स्टर्नम है ना, तो ये देखें ये क्या है, राइट साइड है और इसका ये बॉर्डर है, अपर बॉर्डर है स्टर्नल बॉर्डर, राइट अपर स्टर्नल बॉर्डर, मुश्किल है याद करना, राइट है और सेकंड स्पेस पे है तो वहां पर राइट अपर होगा स्टर्नल बॉर्डर है। अच्छा इसको वो बोलता है, इसको ये आपका लेफ्ट सेकंड है ना, लेफ्ट सेकंड, इसको वो बोलता है लेफ्ट अपर स्टर्नल बॉर्डर, लेफ्ट अपर स्टर्नल बॉर्डर, मुश्किल है नहीं, आसान से है, इसको बोलते हैं राइट अपर स्टर्नल बॉर्डर, इसको बोलते हैं लेफ्ट अपर स्टर्नल बॉर्डर। फिर आपका आता है, फिर अभी अप पॉइंट को छोड़ दें, अभी आता है आपका फिर लेफ्ट फोर्थ वाला जहां पे ट्राइकस्पिड सुनाई देता है, लेफ्ट फोर्थ, अब वो इसको बोलता है कि ये है आपका लेफ्ट लोअर स्टर्नल बॉर्डर, ये लोअर है ना नीचे वाला है, लेफ्ट लोअर स्टर्नल बॉर्डर, मुश्किल है आसान से है, ये राइट अपर स्टर्नल बॉर्डर, ये लेफ्ट अपर स्टर्नल बॉर्डर, ये आपका नीचे आ गया तो और लेफ्ट साइड पे है लेफ्ट लोअर स्टर्नल बॉर्डर। अच्छा मैंने बताया था जब मैंने हार्ट थोड़ा सा पढ़ा रहा था, मैंने कहा लेफ्ट वेंट्रिकल, मैंने बॉर्डर पढ़ाए थे, लेफ्ट वेंट्रिकल का ये वाला हिस्सा फॉर्म्स द अपेक्स ऑफ द हार्ट, याद है कि ये अपेक्स ऑफ द हार्ट बनाता है, तो जो माइट्रल वाल्व है वो माइट्रल वाल्व कहां पे होता है, लेफ्ट लेफ्ट फिफ्थ पे, और इसको और क्या बोलते होते हैं, अपेक्स ऑफ द हार्ट, ये देखें ये अपेक्स है ना, ये देखें हैं अपेक्स ऑफ द हार्ट, तो माइट्रल वाल्व लेफ्ट फिफ्थ भी कहते हैं, मिड क्लेविकुलर लाइन और अपेक्स भी बोलते हैं, भाई मुश्किल था आसान सा था, बाकी आपको क्या बात किया, अब्स पॉइंट, अब्स पॉइंट क्या है, इसको आप बोलते हैं लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर, बस इसको क्या बोलते हैं, आवाज कट रही है तला, हमारे पास तो ठीक है सिग्नल, लेकिन मेरे ख्याल में आपके पास सिग्नल ठीक नहीं है, जरा अपना मोबाइल देख लें, मैं फिर इसको चले रिपीट भी कर देता हूँ एक बार, तो ये कौन सा बच गया लेफ्ट, हाँ तला भाई आपका नेट खराब होगा, तो ये अब्स पॉइंट, तो ये लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर, ना तो अपर है ना ही लोअर है, लेफ्ट साइड पे है तो लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर। चलिए मैं इसको एक बार फिर ऊपर ऊपर रिपीट कर देता हूँ, ठीक है वो उधर ऊपर ही रिपीट हो जाएगा, अब आपने इसको गौर से सुनना है, ठीक है। देखिए अब हमने क्या देखा, पहले हमने ये याद कर लिए कैसे, इसके जरिए, ठीक है तरतीब से, फिर हमने तरतीब से राइट सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस के ऊपर ये भी हमने देख लिए है ना, हमें पता है ना, ये भी हमने देख लिए, ये भी हमने देख लिए, ये भी हमने देख लिए, ठीक है। अब हम क्या देखना है, अब हमने देखना है कि हमने कहा कि राइट सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस का दूसरा नाम क्या होता है, राइट अपर स्टर्नल बॉर्डर, और लेफ्ट सेकेंड का होता है लेफ्ट अपर स्टर्नल बॉर्डर, और अब्स पॉइंट का दूसरा नाम होता है लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर, और लेफ्ट फोर्थ का दूसरा नाम होता है लेफ्ट लोअर बॉर्डर, और लेफ्ट फिफ्थ का दूसरा नाम कहां पे होता है, अपेक्स ऑफ द हार्ट, ठीक है। एमसीएल मिड क्लेविकुलर लाइन, मिड क्लेविकुलर लाइन, ठीक है, तो समझ आ गया। तो इस तरह के वो क्वेश्चन देता है, वो आपको यू असेंबली के सिनेरियो में देगा कि हार्ट एक मरमर सुनाई दिया है और आपने बेसिकली उसकी लोकेशन से डिटरमाइन करना होता है, वो कहेगा कि ये उसको कहां पे सुनाई दे रहा है, वो कहेगा इसको अपेक्स पे सुनाई दे रहा है, वो कहेगा उसको लेफ्ट फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे सुनाई दे रहा है, तो बताए कौन सा मरमर है, तो फिर हम माइट्रल वाल्व का मरमर होगा, अभी माइट्रल वाल्व के आगे मजीद मरमर होते हैं, वो हम डिफरेंशिएट करते हैं अभी आगे, ठीक है। अब आगे देखें, अब आपको इन सारे पॉइंट्स के ऊपर जो मैंने अभी पढ़ाए हैं, ये तीन चीजें एक एक जगह के नाम है, एओर्टिक वाल्व लोकेशन, राइट सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस, या फिर राइट अपर स्टर्नल बॉर्डर, जब मैं बोलूं तो आपके माइंड में सिर्फ एक ही चीज आनी चाहिए, वो कौन सी, कि इस वाली लोकेशन की बात हो रही है, एओर्टिक एरिया की बात हो रही है। अब इसके ऊपर आपको कौन कौन से मरमर सुनाई देते हैं, उन मरमर के आपने नाम याद रखने हैं, कोआर्टेशन मरमर आपको यहीं पे सुनाई देगा,
आपको aortic stenosis का मर्मर यहीं पे सुनाई देगा, आपको aortic regurgitation का मर्मर यहीं पे, लेकिन USMLE के मुताबिक मोस्टली बोला जाता है कि जो आपका AR मर्मर है मोस्टली ऑन अब्स पॉइंट, कि ये अब्स पॉइंट के ऊपर सुनाई देता है, लेकिन आपने दोनों चीजें माइंड में रखनी है कि अब्स पॉइंट पर भी सुनाई देता है और आपके aortic area पर भी सुनाई देता है, ठीक है। अब जो ये वाला है इधर कौन कौन से, क्योंकि देखें ये aortic valve था तो इधर aortic valve का एरिया था ना, तो aortic stenosis, aortic regurgitation, साथ में एक coarctation। अच्छा pulmonary valve है तो pulmonary stenosis, pulmonary regurgitation और साथ में एक ASD, साथ में ASD। और PR के बारे में बोला जाता है कि mostly on left sternal part, यानी abs point के ऊपर ये भी, लेकिन यहाँ पर भी ये होता है, pulmonic area पर भी ये होता है। abs point के बारे में कहता है वहां पर, देखें abs point क्या होता है, मैंने पहले भी कहा था कि abs point is the overview of all sounds plus murmurs, कि तमाम साउंड और मर्मर का जो ओवरव्यू होता है वो आपको कहां पर सुनाई देता है, कहां पर सुनाई देता है, ASD mean atrial septal defect। सर अब्स क्या होता है, अब्स इज द ओवरव्यू ऑफ ऑल साउंड्स एंड मर्मर्स, मतलब तमाम जो हमारे पास मर्मर्स और साउंड्स हैं उनका ओवरव्यू हमें अब्स पॉइंट पर सुनाई देता है। ASD इज योर एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, ये आपके मैंने कहा था ना जब ट्यूब होती है एक, तो ये दरमियान में आपका इंटर एट्रियल सेप्टम बनता है, अगर इसमें सुराख रह जाता है इट इज कॉल्ड एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, तो मैं ASD दैट इज दिस वन। अच्छा तो अब्स पॉइंट ये है लेफ्ट थर्ड इंट्रोकॉस्टल स्पेस, या इसको लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर भी बोलते हैं, इसके ऊपर आपको S1 प्लस S2 साउंड भी सुनाई देती है और इसके ऊपर आपको हुकम भी सुनाई देता है। व्हाट इज हुकम, हाइपर ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, और यहां पर आपको AR भी सुनाई देता है और PR भी सुनाई देता है, अभी हमने अभी बात की PR एंड AR, ठीक है। उसके बाद ट्राइकस्पिड एरिया, ये कौन सा होता है, लेफ्ट फोर्थ इंट्रोकॉस्टल स्पेस, लेफ्ट लोअर बॉर्डर, इसके ऊपर क्योंकि टीवी है यानी ट्राइकस्पिड वाल्व का एरिया है, तो ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन और VSD वेंट्रिकुलर सेप्टर डिफेक्ट, ओके। अब माइट्रल वाल्व, लेफ्ट फिफ्थ इंट्रोकॉस्टल स्पेस, मिड क्लेविकुलर लाइन, एपेक्स के ऊपर, तो माइट्रल स्टेनोसिस, माइट्रल रिगर्जिटेशन एंड माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स। नेट विल बी योर क्वेश्चन दैट सर व्हाट इज द माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स, इसको हम आगे जाके देखेंगे डिटेल में, अभी मैं इसको समझाने बैठ गया तो फिर ये आपकी लोकेशन जरा ऊपर नीचे हो जाएगी, पढ़ेंगे इसको मर्मर्स में ही पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं अगली नेक्स्ट स्लाइड्स में वो आएगा, ठीक है। नो, दीज आर द एबनॉर्मल साउंड्स, माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स एबनॉर्मल साउंड्स, ये सारी मैंने एबनॉर्मल साउंड्स आपको बताई है, ठीक है, जो नॉर्मल होंगे मैं वहां पे बताता जाऊंगा आपको। अब आप कहेंगे सर जी हमें कोई नमूने बताएं हम कैसे याद करें इनको, आप कहते हैं कि यहां तक हमें याद हो गया, नहीं हुआ, आप कहेंगे ये तो याद हो गया आसान सा था, नहीं हुआ याद, ये वाला हो गया, आप कहेंगे हमें अगला याद करने का नमूना बताएं, अगला हमने कैसे याद करना है, तो मैं कहता हूँ आसान से, आप कहते हैं वो कैसे सर, मैं कहता हूँ कि डॉक्टर जुबैर प्लीज फोकस हियर, व्हेन वी टॉक अबाउट द aortic valve एरिया, तो हमें यहाँ पर कौन कौन से मर्मर सुनाई देते हैं, वी विल जस्ट रिमेंबर द वन वर्ड दैट इज coarctation, coarctation आपने याद है। अब coarctation से हमने दूसरे मर्मर कैसे देखने हैं, coarctation से आपने देखना है, coarctation में AR आ रहा है, देखें पहले CO से आ गया coarctation, फिर क्या आ रहा है आपका AR, तो आप लिख दें कैपिटल AR, मतलब aortic regurgitation, उसके बाद आपका आ रहा है C, फर्स्ट इजी निमोनिक, ऑल फिजिशियन अर्न टू मच मनी, यस आप ये भी कर सकते हैं, ऑल फिजिशियन अर्न टू मच मनी, और जो मैंने बताया ये भी कर ले, तो एक ही बात है, तो चले coarctation, CO से coarctation हो गया और AR हो गया। अब तीसरा हमारा कौन सा है, AS, इधर से A ले ले, इधर C को कंज्यूम करें, C S की आवाज देता है ना कभी कभी, C सीन की आवाज देता हो तो S भी सीन की, तो इसको AS कर ले, ठीक है तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपके जो मर्मर आपको AV पे सुनाई देंगे, तो आपने क्या याद रखना है, coarctation याद रखना है, coarctation हो गया, AR हो गया और AC से S हो गया, AS हो गए, तो ये आपको कहां पे सुनाई देंगे, आपको AV एरिया पे, लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम है कि हम AR के बारे में हमने ये भी याद रखना है कि इट्स आल्सो साउंड ऑन द अब्स पॉइंट, अब इसको मतलब हराना है कि तुम यहां पर जरा देर नहीं टिक सकते, फाइट किन के दरमियान है, AS और AR के दरमियान फाइट है, हारना किसने है, AR को हमने हराना है कि तुम जरा देर यहां नहीं टिक सकते, तुम यहां से निकल जाओ, तुम अब्स पॉइंट पे चले जाओ, कैसे हराना है हमने इसको। अब
ए आर कहता है भाई मैं तो आ गया हूं पहले, मैं जीत गया, ए सी यानी ए एस बाद में आया, तुम हार गए। वो कहता है नहीं मैं आगे फिर शीन की आवाज दूंगा, शन क्वार्टेशन। तो कहता है मेरी डबल हो गया, तो ए एस कहता है मैं जीत गया हूं, ए आर कहता है तुम हार गए हो तो तुम अब पॉइंट की तरफ चले जाओ। तो ये याद रह जाएगा आप कि एवी के ऊपर कौन कौन से सुनाई देते हैं, हैं? भूल जाएगा, भूल जाएगा। पहली चीज क्वार्टेशन, फिर ए आर से एओर्टिक रिगर्जिटेशन, फिर ए सी से ए एस एओर्टिक स्टेनोसिस, फिर इनमें से हारेगा कौन? ए आर। ए आर कहेगा मैं आया तो पहले हूं, जीतना चाहिए, लेकिन ए एस कहता है कि मेरी फिर साउंड शीन की फिर आ रही है तो मैं जीत गया। तो ए एस इधर ही रहेगा, ए आर यहां से भाग जाएगा किधर? अब पॉइंट के ऊपर। ओके, अब पीवी पल्मोनिक एरिया पे आपको कौन कौन सा सुनाई देते हैं? सो एक डॉक्टर था, ही हैज पास्ड द यू असेंबली पेपर, है यू असेंबली पेपर उसने पास कर लिया। अब इसको आपने कैसे देखना है? देखें सारे इधर भी पी आर है, इधर भी पी आर है, तो एरिया कौन सा होगा? पल्मोनरी वाल्व वाला एरिया होगा। अब पहले क्या आ रहा है, कलर चेंज कर लेता हूं मैं, कोई और। पी एस क्या आ रहा है? पी एस तो पल्मोनरी स्टिनोसिस, और पेपर से पी आर पास्ड, पी एस की साउंड दे रहा है, पास्ड पास्ड पी एस, और पेपर में पी आर की साउंड दे रहा है, तो दोनों आएंगे पी आर, तो पी एस भी आ गया और पी आर भी आ गया। अब ए एस डी पास्ड, ए एस ई डी, ए एस ई डी तो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, वो भी आ गया। ठीक है, तो पास्ट यू असेंबली पेपर, तो इससे आपने पी से मतलब पल्मोनिक वाल्व का एरिया होगा, ठीक है, और पी एस से पी, पास्ट से पी एस, पेपर से पी आर, और पास्ड ए एस डी, तो ये वाले आपको कहां पर सुनाई देंगे? पी वी पे सुनाई देंगे। ठीक है, अब इसमें से फिर हमने हराना है किसको? पी आर को हराना है, और पी एस को फिर जिताना है। ठीक है, तो आर वाला हार जाएगा, क्योंकि ये यहां पर बाद में आया है बेचारा, उसकी भी एक साउंड है, पास्ट की भी एक साउंड है, उधर पी एस एक है, इधर भी पी आर एक है, तो अब कौन हारेगा? जो बाद में आएगा। उधर वो क्यों जीता था? ए एस, क्योंकि वो दो बार था, हालांकि ए आर पहले आया था लेकिन हार गया था क्योंकि ए एस दो बार था। यहां पर क्यों जीता है? पी एस, क्योंकि ये पहले आ गया, दोनों एक एक बार थे लेकिन ये पहले आ गया, तो ये जीत जाएगा, तो ये यहीं पर रहेगा, और पी आर भाग जाएगा अब पॉइंट की तरफ। Did you get the point or not? याद हो जाएंगे आप? भूलेंगे? ये चीजें देखें, इनको रट्टा मार लें। मैंने ये नमूने इसलिए नहीं प्रिपेयर किए इनको आप लोगों के लिए, ये यूएसएमबली में मैं आपको जब एमसीक्यूज कराऊंगा तो ये चीजें मैं आपसे पूछूंगा, इन्हीं के ऊपर डिफ्रेंशिएट करके। अगर आपको ये चीजें आती है जो मैं बता रहा हूँ, आप यूएसएमबली के एमसीक्यू को मैं गारंटी कर कहता हूँ 5 सेकंड में सॉल्व करेंगे। ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है लोकेशन। अब पॉइंट, ये तो आपको S1 S2 याद हो जाएगा है? अच्छा, इसका मैंने कोई प्रिपेयर किया था? नॉर्मल, हाँ, S1 S2 नॉर्मल साउंड है। ओ भाई, S1 S2 नॉट मर्मर्स, दीज आर द नॉर्मल साउंड्स। कहाँ पे ऐड किए? ओ मेरी जान दे टोटे, नॉट मर्मर्स, ऐड करने का मतलब ये नहीं है कि ये मर्मर्स है, ऐड करने का मतलब है कि ये आपको अब पॉइंट पे सुनाई दे रहे हैं कि ये साउंड्स। मैंने कहा ना कि अब पॉइंट इज द पॉइंट वेयर इज द ओवरव्यू ऑफ ऑल साउंड्स, सो S1 S2 दोनों साउंड्स आ गए, मतलब ये भी हमें यहां पर सुनाई देती हैं। ठीक है, और आपने क्या याद रखना है कि अब देखें उधर से किन किन को भगा दिया गया था। एक तो ए आर हार गया था, उधर से पी आर हार गया था, तो जो बेचारे हारे वो यहाँ पे आ गए। सनम हम दिल से हारे तो हम और घर ताड़ेंगे, और घर ढूंढेंगे। तो देखें डॉक्टर जुबैर, आप भी फोकस करें। एवी पॉइंट के ऊपर हर नॉर्मल साउंड भी सुनाई देती है ना, वहां पर S1 आपको वहां पे, सॉरी वहां पे कौन सी आपको वाल्व सुनाई देगा? आपको एओर्टिक वाल्व, जो कि S2 को, वहां पे आपको एओर्टिक वाल्व नॉर्मल भी सुनाई देगा, वहां पे आपको मर्मर भी सुनाई देंगे। ठीक है, तो अब पॉइंट के ऊपर ये S1 S2 भी सुनाई देंगे और आपको ये मर्मर भी सुनाई देंगे। तो कौन हारे थे? पी आर भी हार गया था, ए आर भी हार गया था इधर से, तो ये इधर आ गए, और एच ओ सी एम भी यहाँ पे आ गया। इसको भी आपने देख लेना कि HOCM भी यहाँ पे आ गया। समझ आ गया? ठीक है, तो बाकी ये आसान है। टीवी, तो इसमें TS, TR, ऊपर ASD आ गया, पीछे क्या बचता फिर? वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ASD। अभी एक क्वेश्चन आया था, कौन सा क्वेश्चन था मुझे भूल गया, दोबारा रिपीट कर दे क्वेश्चन। टीवी जो भाई ASD में सुनाई दे ना, VSD में। कौन सा? टीवी।
टीवी इज द लोकेशन, टीवी इज द लोकेशन, कि इस लोकेशन के ऊपर आपको कौन सा मर्मर सुनाई देगा, आपको वीएसडी मर्मर सुनाई देगा, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट का मर्मर सुनाई देगा, एएसडी आपको सुनाई देगा आपको पल्मोनरी एरिया के ऊपर, लेफ्ट सेकंड इंटरकोसल स्पेस के ऊपर, लेफ्ट अपर स्टर्नल बॉर्डर के ऊपर आपको सुनाई देगा। ये वाला मर्मर आपको यहां पे सुनाई देगा, वीएसडी का मर्मर आपको यहां पे सुनाई देगा। समझ आ रही चीजें? पीछे क्वेश्चन पूछा था कि आरयूएसबी क्या होता है, ये होता है राइट अपर स्टर्नल बॉर्डर। यही आपको याद करना है कि मैं पूछूंगा कोआर्कटेशन का जो मर्मर है ये कहां पे सुनाई देता है, आप कहेंगे सर जी राइट अपर स्टर्नल बॉर्डर, राइट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस या फिर यूल्टिक एरिया पे सुनाई देता है। ये चीजें आपने मुझे बतानी है। समझ आ रही है? नहीं समझ आ रही है? आ रही है? चले फिर हम माइट्रल वाल्व, लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल मिड क्लेविकुलर लाइन, ये एपेक्स के ऊपर, और इससे कौन कौन से, क्योंकि माइट्रल वाल्व है तो माइट्रल वाल्व वाले सारे, माइट्रल स्टेनोसिस, माइट्रल रिग्रेजिटेशन एंड माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स। ठीक है, तो आई होप सो दैट कि अब आपको लोकेशन या ऑस्कल्टेशन आपको नहीं भूलनी चाहिए आप। ठीक है, भूलेंगी, मैंने तो सारा टाइम इसी के ऊपर लगा दिया, तो ये आप देख लें, ये वही चीजें लिखी हुई है। अब देखिए रेडिएशन, अब रेडिएशन क्या होती है, देखें रेडिएशन, अब आपका जो योल्टिक रिगर्जिटेशन का वाल्व है, लेट्स सपोज दैट योल्टिक रिगर्जिटेशन का वाल्व है, वो आपको कहां पे सुनाई देना चाहिए, योल्टिक रिगर्जिटेशन या तो यहां पे सुनाई देना चाहिए या फिर यहां पे, या अब पॉइंट पे, या फिर राइट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस के ऊपर। जब यहां से देखें ये वेंट्रिकल्स, योल्टा वेंट्रिकल्स, ये यहां से योल्टा निकला, तो मैं कहता हूं यहां पर आपका क्या है, योल्टिक रिगर्जिटेशन है। एक तो साउंड आपको राइट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस के ऊपर सुनाई देनी चाहिए उसकी, या फिर आपको अब्स पॉइंट के ऊपर, या फिर जब यहां से ब्लड निकलेगा है, अब जब वो यहां से रगड़ देके निकला, यहां पर टर्बुलेंट ब्लड फ्लो देके निकला, तो वो जैसे जहाज आगे मूव कर जाता है तो उसकी साउंड भी उसके पीछे जाती है, तो जब ब्लड आगे मूव कर जाएगा तो आगे आपका कैरोटिड एरिया है, कौन सा है, कैरोटिड आर्टरीज होती है ना आगे, यहां पर कैरोटिड आर्टरीज होती है, नहीं पता, आज काफी टाइम लग रहा है लेक्चर में है, तो सिंपल हार्ट मैंने ही कहीं डाला होगा, चलिए ये ले लें, ये आपकी ये वाले क्या है, कैरोटिड आर्टरीज है, ये यहां से निकला, ये निकला ब्लड यहां से ऐसे जाएगा, ये कैरोटिड आर्टरीज है। अब यहां पे मर्मर था, यहां पे जब वो आया ब्लड, यहां पे साउंड प्रोड्यूस हुई, अब ब्लड इस तरफ मूव करके जाएगा ना क्विकली, तो साउंड भी उसके पीछे जाएगी, अब साउंड को सुनाई तो यहां पे देना चाहिए था, यहां पर भी सुनाई देती है और ये रेडिएट करती है कैरोटिड की तरफ, उस तरफ मूव भी करती है और वहां पर भी आपको रेडिएट कर जाती है, वहां पर भी आपको सुनाई देती है। दिस इज कॉल्ड योर रेडिएशन, दिस इज कॉल्ड योर रेडिएशन। के वो क्या कहता है, मर्मर्स आर यूजुअली इंटेंस एट वन स्पेसिफिक पॉइंट, एक स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर वो सुनाई देते हैं। दे ऑफन रेडिएट टू अदर लिसनिंग पॉइंट्स एरिया ऑफ हार्ट ड्यू टू ब्लड फ्लो टुवर्ड्स द अदर पॉइंट्स, क्योंकि ब्लड टर्बुलेंट ब्लड फ्लो आगे जो मूव करता है वो उसी तरफ फिर उसकी रेडिएट दूसरी तरफ कर जाते हैं। समझ आ गया कि रेडिएशन क्या होती है। एग्जांपल्स एओर्टिक स्टेनोसिस, अभी अभी मैंने जो एग्जांपल दी है, कम पढ़ा लें इजी रहेगा, चलें कम पढ़ाते हैं, चलें यार कुछ भी नहीं पढ़ा यार आज तो, यार कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा, मैं कहता हूं यहां तक हो जाना चाहिए, कुछ भी नहीं पढ़ा, ये तो सिंपल सिंपल से कंसेप्ट थे, है ना, मुश्किल है। अच्छा यार देखें, जब बस करनी होगी फिर बस कर देंगे, अभी अभी फिलहाल तो अभी फोकस करके बैठे, अभी तो फोकस करके बैठे। चले एओर्टिक स्टेनोसिस है, ये आपके एट्रिया है, ये आपके वेंट्रिकल्स हैं, ये और यहां पर आपके क्या है, कैरोटिड आर्टरीज है। ठीक है, अच्छा अब मैं कहता हूं कि यहां पर एओर्टिक स्टेनोसिस है, और मैंने बताया था कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहां पर एओर्टिक स्टेनोसिस है, डायमीटर कम है वॉल्स का, जब यहां से ब्लड गुजरेगा इट विल प्रोड्यूस द साउंड दैट इज मर्मर, यहां पर वो मर्मर प्रोड्यूस करेगा, मैंने बताया ना अभी पीछे कि वो यहां से गुजरेगा क्या प्रोड्यूस करेगा, मर्मर। अब ये मर्मर किस तरफ रेडिएट करेगा, क्योंकि ब्लड इस तरफ जा रहा है, इट विल रेडिएट टू द कैरोटिड आर्टरी। हार्ट सुनाई कहां पे देता है, देखें चीजें रिपीट हो रही है बार-बार, एओर्टिक स्टेनोसिस याद करें कहां पे सुनाई देता है, एओर्टिक स्टेनोसिस कोआर्कटेशन कहां पे सुनाई देती है, राइट सेकंड, so heart at right second intercostal space and radiate to the carotid artery due to blood flow towards the carotid artery. ab pehli baat aapne location yaad rakhni hai, and second then you have to remember that what is the radiation of this murmur,
सो मैं पूछूंगा जब बल्कि एमसीक्यूज में आएगा, एओर्टिक स्क्लेरोसिस कहां पे सुनाई देता है? कोआर्टेशन से आपने याद रखना है, राइट सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस और राइट अपर स्टर्नल बॉर्डर। अब मैं पूछूंगा इसकी जो है ना वो रेडिएशन किस तरफ है, आप कहेंगे कैरोटिड आर्टरी की तरफ। याद रह जाएगी अब ये चीज। आगे मूव करते हैं, देखें अगर मैं कल इसको लेक्चर देता हूं तो फिर मुझे चीजें सारी कल फिर रिपीट करनी पड़ेंगी, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि चलते रहें अभी। एओर्टिक रिगर्जिटेशन, अब हर्ड एट अब्स पॉइंट, ए आर पी आर कहां सुनाई देते हैं? अब्स पॉइंट, लेकिन ये लेफ्ट थर्ड इंटरकॉस्टल, सॉरी लेफ्ट थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस के ऊपर लेफ्ट स्टर्नल, और ये राइट सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस के ऊपर भी सुनाई देता है जहां से ये हार गया था, ठीक है। एंड रेडिएट्स टू द लेफ्ट अपर स्टर्नल बॉर्डर ड्यू टू ब्लड फ्लो बैक फ्रॉम एट्रिया टू लेफ्ट वेंट्रिकल। एओर्टिक रिगर्जिटेशन क्या होती है? कि एओर्टा से ब्लड बैक फ्लो करेगा, ऐसे बैक आएगा और यहां से आके टकराएगा। अब और इसकी जो रेडिएशन होती है वो किस तरफ होती है? देखें लेफ्ट अपर स्टर्नल बॉर्डर, तो ये यहां पे सुनाई देता है, तो ये जब यहां से नीचे मूव करेगा है ना लेफ्ट साइड की तरफ, क्योंकि ये यहाँ पे आपका एओर्टा यहां से ऐसे आ रहा होता है, ठीक है। तो जब ये यहां पे, हमें यहां पर क्या था हमारे पास, एओर्टिक रिगर्जिटेशन वाल्व था। जब यहां से ब्लड गुजरेगा तो यहां पर मरमर पैदा करेगा, और ये ब्लड किस तरफ आ रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ, तो ये मरमर भी इसी तरफ मूव करेगा और आपको लेफ्ट अप पर्सनल बॉर्डर के ऊपर इसका रेडिएट करेगा। सुनाई कहां पे देगा? सुनाई कहां पे देगा? राइट अप पर्सनल बॉर्डर, या फिर आपको ये अब्स पॉइंट के ऊपर भी बोलते होते हैं, और रेडिएट किस तरफ करेगा? लेफ्ट अपर। नॉट टू मच इंपॉर्टेंट, इसकी रेडिएशन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसका इंपॉर्टेंट क्या है कि ये सुनाई कहां पे देता है, ठीक है। तो एओर्टिक रिगर्जिटेशन समझ आ गई है? नहीं समझ आई? नेक्स्ट मिट्रल रिगर्जिटेशन, हर्ड एट लेफ्ट फिफ्थ। अच्छा इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है कि ये आपका एट्रिया और ये आपके वेंट्रिकल्स। मिट्रल रिगर्जिटेशन मतलब जब आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड ऊपर की तरफ मूव करेगा, और यहां पर टर्बुलेंट ब्लड फ्लो देके आपको क्या देगा? मिट्रल रिगर्जिटेशन का मरमर देगा। अब किधर गई वो डायग्राम, ये देखें, ये यहां से ब्लड मूव करेगा आपके एट्रिया की तरफ। जब ये एट्रिया की तरफ मूव करता है तो कुछ ऐसा जूम किया जाता है कि ये किस तरफ? एक्सिला की तरफ। किसकी तरफ? एक्सिला की तरफ मूव कर रहा है, तो इसकी रेडिएशन किस तरफ होती है? एक्सिला की तरफ होती है। नहीं समझ आई ये चीज? जब आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो यहां से ब्लड, जब मिट्रल वाल्व रिगर्जिटेशन हो तो यहां से आपका एट्रिया है, तो यहां से ब्लड कहां जाता है? वापस बैक करता है एट्रिया में। अब इस तरफ होना चाहिए ना, लेकिन कुछ इस तरह अज्यूम किया जाता है कि ये एक्सिला की तरफ इसकी रेडिएशन होती है, यानी ये वहां पर जाकर सुनाई देता है फिर आपको मरमर, ये वाला यहां पर भी सुनाई देगा, अपेक्स के ऊपर भी सुनाई देगा, और आपको एक्सिला के ऊपर भी सुनाई देगा, ठीक है। नहीं, मिडिल क्लेविकुलर लाइन की तरफ सुनाई, वो तो वहां पर मिड क्लेविकुलर लाइन में तो अपेक्स के ऊपर आपको सुनाई देता है, वो मरमर उसको वहां पे सुनाई देता है, लेकिन रेडिएट किस तरफ करता है हम वो देख रहे हैं, एक्सिला की तरफ। तो ये चीजें आपने याद रखनी है, मैं इसको फिर दोहरा रहा हूं, एक बार आपसे पूछ रहा हूं ताकि आपको याद रहे। मिट्रल वाल्व रिगर्जिटेशन सुनाई कहां पे देती है? लेफ्ट फिफ्थ मिड क्लेविकुलर लाइन, एंड रेडिएट्स टुवर्ड्स द एक्सिला। और एओर्टिक रिगर्जिटेशन सुनाई देती है अब्स पॉइंट के ऊपर, और एएस कहां पे सुनाई देती है आपकी? एएस एओर्टिक एरिया, दैट इज राइट अपर स्टर्नल बॉर्डर, एंड इट radiates towards the carotid artery, okay? Yes, carotid artery तक radiate करेगा। Now quality, it's very important as well. Quality में अपने पता क्या याद रखना है? Simple चीज याद रखें कि कुछ, अब डॉक्टर बार एक दिन आपने क्वेश्चन पूछा था कि हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि इसकी साउंड नॉर्मल है कि abnormal है, अगर abnormal है तो कौन सा मसला है, तो कैसी आवाज होगी तो कौन सा मसला होगा, कैसी आवाज होगी तो कौन सा मसला होगा। अगर आपकी जो हार्ट की जो क्वालिटी है, जो साउंड है, वो म्यूजिकल साउंड आ रही है, कौन सी? म्यूजिकल साउंड आ रही है, या हम कहते हैं ब्लोइंग साउंड आ रही है, कौन सी? ब्लोइंग साउंड। तब आपको यूजुअली जो मरमर होते हैं वो रिगर्जिटेशन के मरमर होते हैं। किसके? रिगर्जिटेशन के मरमर होते हैं, यानी आपको उस वक्त एओर्टिक रिगर्जिटेशन या फिर मिट्रल रिगर्जिटेशन के मरमर होंगे, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन।
कि देखें फिर वही बात, लोकेशन देखें, लोकेशन बार बार आ रही है। अगर आप उसको सुनाई दे रहा है आपको वो एपेक्स के ऊपर, मैं कहता हूं कि आपके पास एक मर्मर है, सिनेरियो में लिखा है कि एक मर्मर है, एक पेशेंट आपके पास आया 76 ईयर ओल्ड या कुछ भी, उसको एक उसको जो मर्मर सुनाई दे रहा है वो मर्मर उसकी क्वालिटी है ब्लोइंग, क्वालिटी उसकी क्या है ब्लोइंग, और वो आपको कहाँ पे सुनाई दे रहा है अपेक्स के ऊपर सुनाई दे रहा है, और वो एक्जिला की तरफ क्या कर रहा है रेडिएट कर रहा है, तो मुझे बताएं ये कौन सा मर्मर है, बताएं कौन सा मर्मर है, बताएं इसको देखें, ब्लोइंग है तो मतलब रिगर्जिटेशन है, एपेक्स पे सुनाई दे रहा है तो मतलब माइट्रल वाल्व का कोई होगा, एक्जिला की तरफ है तो मतलब माइट्रल रिगर्जिटेशन होगा, तो आपका कौन सा होगा माइट्रल रिगर्जिटेशन, ठीक है। तो ये चीज सिंपल ये याद रखें, ब्लोइंग या फिर म्यूजिकल साउंड आ जाए, ब्लोइंग या फिर म्यूजिकल साउंड आ जाए तो यूजली आपका कौन सा मर्मर होता है वो रिगर्जिटेशन का मर्मर होता है, ठीक है। और मजीद पर डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर कि लोकेशन क्या है, देखिए अगर लोकेशन है अपेक्स तो माइट्रल रिगर्जिटेशन है, अगर लोकेशन है आपकी अब्स पॉइंट तो फिर एओर्टिक रिगर्जिटेशन है, ठीक है, लोकेशन आप डिफरेंशिएट कर रही है। अब यूजली देख लें कि अच्छा अगर आपकी हार्श साउंड हो या रंबलिंग साउंड हो तो ये आपके स्टिनोसिस होगा, या तो एओर्टिक स्टिनोसिस होगा या फिर अगर आपको साउंड सुनाई दी उसने कहा कि साउंड क्या है हार्श साउंड उसको सुनाई दे रही है, रंबलिंग साउंड सुनाई दे रही है, फिर आप वो आपसे पूछेगा कौन सा मर्मर हो सकता है, आप बोलेंगे इसको स्टिनोसिस के मर्मर है, किसके स्टिनोसिस के मर्मर है, या तो एओर्टिक स्टिनोसिस है या फिर माइटर, नाउ डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन। वो कहता है हार्श और रंबलिंग साउंड है और लोकेशन मैं कहता हूं कि राइट सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस है, कौन सा मर्मर होगा इन दोनों में से, आप कहेंगे ए एस है, ए एस कहां सुनाई देता है राइट सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस के ऊपर सुनाई देता है, और ये कौन सा है हार्श साउंड है, तो ये होगा, मैं कहता हूं हार्श साउंड है लेकिन सुनाई दे रहा है अपेक्स के ऊपर, फिर माइट्रल स्टेनोसिस है, ठीक है, ये चीज याद करने वाली चीजें हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन। नहीं 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 मैं एयोर्टिक रिगर्जिटेशन है, ए आर डज मीन दैट एयोर्टिक रिगर्जिटेशन नॉट एपेक्स, एयोर्टिक रिगर्जिटेशन कहां पे होती है एयोर्टिक वाल्व में, एयोर्टिक वाल्व की लोकेशन क्या है राइट अपर स्टर्नल बॉर्डर या फिर राइट सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस। हाँ, शायद वो एपेक्स होता है, एमआर एमआर एपेक्स होता है, बस आप सिंपल ये देखें अगर वो बोल रहा है कि ब्लोइंग और म्यूजिकल साउंड है इट मीन दैट कि जो भी मर्मर है वो रिगर्जिटेशन वाला मर्मर है, फिर लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर लोकेशन है राइट सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस या फिर लोकेशन है एपेक्स यानी कि लेफ्ट फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन। देखें सिंपल मैं इसको रिपीट कर देता हूं सिंपल वर्डिंग में, मैंने आपको कहा एक मर्मर है, ठीक है, और उस मर्मर की जो साउंड है वो म्यूजिकल है, वो कौन सी है म्यूजिकल साउंड है, जैसे ही मैंने म्यूजिकल या ब्लोइंग कहा तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कौन सा मर्मर होगा रिगर्जिटेशन वाला मर्मर होगा, पहली चीज ये। अब आप कहते हैं रिगर्जिटेशन वाला मर्मर एओर्टिक रिगर्जिटेशन भी हो सकता है माइट्रल रिगर्जिटेशन भी हो सकता है, अब कैसे देखने, अब डिपेंड करना है लोकेशन के ऊपर। आपने देखा कि सिनेरियो में दिया गया था कि लोकेशन क्या दी गई है राइट सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस, राइट सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस के ऊपर जो आपको रिगर्जिटेशन वाला मर्मर सुनाई देता है वो कौन सा होता है आपका एआर होता है, या फिर हम इसको अब्स पॉइंट के ऊपर भी कह सकते हैं, ये दो जगहों पर सुनाई देता है ना, अब्स पॉइंट पर भी सुनाई देता है और आपको राइट सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस के ऊपर भी सुनाई देता है। अच्छा फिर वो कहता है कि है आपकी साउंड म्यूजिकल ब्लोइंग साउंड है तो आप कहेंगे ये रिगर्जिटेशन मर्मर है, वो कहता है लोकेशन आपकी एपेक्स है या फिर लेफ्ट फिफ्थ मिड क्लेविकुलर लाइन है, फिर आप क्या कहेंगे ये कौन सा माइट्रल रिगर्जिटेशन है क्योंकि लोकेशन के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, और अगर हार्च और रंबलिंग साउंड है तो आप कहेंगे ये स्टिनोसिस वाले मर्मर है, फिर लोकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि स्टिनोसिस तो है कौन सा है ए एस है कि एम एस है, अगर अपेक्स लोकेशन है तो एम एस, अगर राइट सेकेंड इंटरकास्ट है तो फिर ए एस, इसी तरह अगर वो कहता है मशीनरी साउंड है कौन सी मशीनरी साउंड आ रही है तो आपको पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस है,
ठीक है, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। और ये क्या होती है पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, याद है ना मैंने बताया था, ये आपके वेंट्रिकल्स, और मैंने कहा था यहां से आपकी क्या निकलती है प्रमोनी ट्रंक, और यहां से आपका निकलता है योल्टा। तो जब बच्चा अभी फीटस होता है तो उसके बीच में यहां पर एक चैनल होता है जो दोनों कपस में मिला के रखता है, दैट इज कॉल्ड डक्टस आर्टरियोसिस। अगर आफ्टर बर्थ, आफ्टर बर्थ ये क्लोज हो जाता है, अगर ये क्लोज ना हो खुला रह जाए इट इज कॉल्ड पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। अगर आपको मशीनरी साउंड आ रही है तो फिर आप कहेंगे बच्चे को क्या है पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस है। भाई अगर आपको याद नहीं हो रहा तो मैं सिंपल सा आपको फार्मूला बताता हूँ, सिंपल सा आसान सा आपको नमूने बना के देता हूँ कि लिसन द म्यूजिक इन बीएमडब्ल्यू कार है, बीएमडब्ल्यू कार में बैठ के आप जो ना म्यूजिक सुन रहे हैं, कैसे इसमें म्यूजिक से म्यूजिकल साउंड ठीक है, और बी से ब्लोइंग साउंड, ए आर से योल्टिक रिगर्जिटेशन होगी, या फिर एम आर से माइट्रल रिगर्जिटेशन होगी ठीक है। म्यूजिकल या फिर ब्लोइंग साउंड है तो आपको या तो योल्टिक रिगर्जिटेशन होगी या फिर आपको माइट्रल रिगर्जिटेशन होगी। समझ आ गई अब ये चीज, अब ये भूलेगा नहीं भूलेगा। अब ये वाला कैसे याद रखना है, हार्श या रंबलिंग साउंड, हार्श में क्या आ रहा है एस, और स्टेनोसिस में भी क्या आ रहा है एस, सो हार्श साउंड स्टेनोसिस होगी, हार्श साउंड स्टेनोसिस होगी, और स्टेनोसिस कौन सी, या तो एओर्टिक स्टेनोसिस या फिर माइट्रल। और वो आगे फिर इनको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, लोकेशन के ऊपर ठीक है। अच्छा मशीनरी साउंड होगी, तो मशीनरी साउंड जब भी हो इट मस्ट बी इन योर माइंड, प्लीज कीप इन योर माइंड दैट इट विल बी द पेटेंट डक्टस, इसको तो रट्टा मार ले ठीक है, इसको रट्टा मार ले, क्वालिटी याद हो जाएगी, पिच और इंटेंसिटी ये दो पढ़ लेते हैं फिर क्लास खत्म करते हैं ठीक है। ठीक है यार आसान चीजें हैं देखें। अच्छा जो पिच है देखें इसको नहीं भूलना, एक तो लोकेशन को नहीं भूलना, और दूसरा क्वालिटी को नहीं भूलना, और तीसरा रेडिएशन को नहीं भूलना, ये तीन चीजें आपने नहीं भूलनी, तीन चीजें नहीं भूलनी। मैं एक एमसीक्यू पूछूं इनके हवाले से, एक एमसीक्यू बना के देता हूँ आप लोगों को, इधर ही मैं एमसीक्यू बना के देता हूँ, मैं कहता हूँ बल्कि इधर बना के देता हूँ ताकि पता ना चले मैं कहता हूं कि साउंड है मेरे पास हार्श, साउंड कौन सी है मेरे पास हार्श ठीक है, और मेरे पास साउंड हार्श है, और मेरे पास जो लोकेशन है वो है मेरे पास राइट अपर स्टर्नल बॉर्डर, और मैं कहता हूं ये रेडिएट करता है आपके कैरोटिड आर्टरी की तरफ, किसकी तरफ कैरोटिड आर्टरी की तरफ, प्लीज टेल मी द नेम ऑफ द, एक सेकंड एक एक करके बताया, एओर्टिक स्टेनोसिस डॉक्टर जवेरिया, डॉक्टर अबिया, डॉक्टर शरियार, जल्दी क्विक टाइम नहीं है, रिकॉर्डिंग हो रही है ना, मानू डॉक्टर मरूर, एओर्टिक स्टेनोसिस, हाँ जी एओर्टिक स्टेनोसिस वेरी गुड। देखें सबसे पहले आपने इसको सॉल्व कैसे करना है, एओर्टिक स्टेनोसिस वेरी गुड डॉक्टर तलाब, देखिए आपने इसको सॉल्व, देखिए यार आप डॉक्टर बन गए हैं, ये मैंने यूएसएमली के एमसीक्यूज पूछी आपसे, देखना आगे मैं एमसीक्यूज यूएसएमली के ऐसे ही सामने आपके आएंगे, आप इसीलिए उनको क्विक करेंगे। हार्श साउंड है तो सबसे पहली चीज आपके माइंड में क्या आने चाहिए, इट्स अ स्टेनोसिस, इट्स अ स्टेनोसिस। अब स्टेनोसिस दो तरह की थी, एक एमएस थी एक एएस थी, अब मैंने जब पोजीशन बताई आरयूएसबी इट मस्ट बी इन योर माइंड दैट इट्स एएस, एएस कहां पर सुनाई देता है क्योंकि एमएस अपेक्स पर सुनाई देता है, बात खत्म होगी। मजीद कंफर्म कैसे हुआ कि रेडिएट्स टुवर्ड्स द कैरोटिड, सो इट इज योर एएस ठीक है, समझ आ गई है। तो इसी तरह की एमसीक्यूज आगे आती रहेंगी तो हम इसको सॉल्व करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला ठीक है। तो रिलैक्स होके बैठे हैं, पिच, अब पिच से हम क्या चीज देखते होते हैं, पिच या तो मरमर की हाई पिच होती है या फिर लो पिच होती है, इससे हम देखते हैं कि उसको हमने स्टेथोस्कोप के डायफ्राम से सुनना है या फिर उसके बेल से सुनना है। मैंने कहा था डायफ्राम के दो हिस्से होते हैं, एक इस तरह बड़ा वाला एक ऊपर से छोटे वाला इज योर बेल ऑफ द स्टेथोस्कोप, बड़े वाला इज द डायफ्राम ऑफ द स्टेथोस्कोप ठीक है। डॉक्टर शरीर पकड़ा है ये, सो ये आपके स्टेथोस्कोप है, दिस इज योर डायफ्राम ऑफ स्टेथोस्कोप एंड दिस इज योर बेल ऑफ द स्टेथोस्कोप ठीक है।
तो ये था। चले अब एक चीज देख लें कि अगर लो पिच है, क्या है लो पिच, इट विल बी हर्ड बाय द बेल ऑफ द स्टेथोस्कोप। अगर हाई पिच है, अगर हाई पिच है, इट विल बी बाय द डायफ्राम ऑफ द स्टेथोस्कोप। ये बस इतना मैटर रखे, ठीक है। वो आपको कोई मर्मर देगा, उस मर्मर को आपको पता होगा, अगर मैं पढ़ाऊंगा, वो आपको एक मर्मर देगा, आपको उस मर्मर के बारे में पता होगा कि इसकी पिच हाई है कि लो है। वो आपको मर्मर देगा, लेट्स सपोज उसने आपको मर्मर दिया, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उसने आपको एम मर्मर दे दिया, लेट्स सपोज दैट कोई भी मर्मर दे दिया, उसने आपको सैंपल के तौर पर एम मर्मर दिया, वो कहता है एम मर्मर कहाँ पे सुनाई देता है, आपको पता है, सॉरी वो पूछेगा एम मर्मर को आप स्टेथोस्कोप के कौन से हिस्से से सुनेंगे, तो आपको पता है जो लेट्स सपोज आप कहते हैं सर जी एम मर्मर तो लो पिच का होता है, ओके लो पिच का होता है, फिर आपको इसको इसको कैसे से सुनोगे, बेल, सो योर आंसर विल बी द बेल ऑफ द स्टेथोस्कोप, ठीक है। तो इस तरह की एमसीक्यू आती है, तो आप कहेंगे उसको सॉरी एम इज जस्ट फॉर सैंपल, इट्स जस्ट फॉर सैंपल, मैंने एक एक सैंपल दिया है, एक एग्जांपल दिया है, वो आप आगे मैं पढ़ाऊंगा, वो आपको खुद को पता चलेगा, वो सिर्फ नाम बताएगा, आपको खुद पता चलेगा कि वो लो पिच है कि हाई पिच है। अभी हम पढ़ते हैं, वो भी पढ़ते हैं। अच्छा ये समझ आ गया, अब पिच या तो हाई पिच होती है, हाई पिच का मतलब हाई टून या हाई साउंड होगी, और लो पिच होता है, अगर हाई पिच होगा हार्ड वे द डायफ्राम ऑफ द स्टेथोस्कोप, लो पिच होगा हार्ड वे द बेल ऑफ द। अब आप कहेंगे सर जी यहाँ पर भी नमूने बता दें, भूल जाएगा लो बेल है कि हाई बेल है, तो यार बेल 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 में भी एल आ रहा है और लो में भी एल आ रहा है, हाई हाई में भी एच आ रहा है, डायफ्राम में भी एच आ रहा है, तो आसान से है, ठीक है, भूलेगा ये, रट्टे लगा लें हार्ट मर्मर्स को है। अब देखिए एग्जांपल्स, अब यहां पर हम डिस्कस करेंगे वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट क्या होता है, यहां पर मैंने डायग्राम पुट की होगी कि नहीं, चले नहीं की, चलिए वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ये आपका एट्रिया, ये आपका वेंट्रिकल, यहां पर आपको क्या है सुराख है, VSD है आपको, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, यहां से लेफ्ट वेंट्रिकल से प्रेशर यहां पे क्या होता है, यहां से ब्लड मूव करेगा आपके राइट वेंट्रिकल, इट विल प्रोड्यूस द मर्मर, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दैट मर्मर, VSD मर्मर, VSD मर्मर, ये कौन सा मर्मर है, VSD मर्मर है। अब VSD मर्मर हाई पिच का होगा के लो पिच का होगा, ये हमने डिसाइड करना है, नाउ टेल मी के प्रेशर ग्रेडियंट क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल जो प्रेशर क्रिएट करते हैं वो ज्यादा प्रेशर क्रिएट करते हैं कम, लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर क्या होता है वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू योल्टा, योल्टा में प्रेशर कम होता है, इनमें प्रेशर क्या होता है वेंट्रिकल्स में बहुत, ये तो 120 से भी ऊपर जाता है, जब वो मैंने कहा था जब कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है इनको प्रेशर के साथ भेजना पड़ता है, तो ये इनमें प्रेशर तो 120 से भी ओवर होता है, क्योंकि इनमें प्रेशर ग्रेडियंट ज्यादा होता है, तो इसमें जो मर्मर होगा, क्योंकि ये मर्मर इसी की वजह से पैदा हो रहा है ना, इसी फोर्स की वजह से, तो मर्मर हाई पिच का होगा, मर्मर हाई पिच का होगा, मर्मर क्या होगा हाई पिच का होगा। तो अगर मैं अब क्वेश्चन देता हूं कि यू हैव अ, एक सेकंड, यू हैव अ VST मर्मर, प्लीज टेल मी दैट आप इस मर्मर को बेल ऑफ द स्टेथोस्कोप से सुनेंगे कि डायफ्राम ऑफ द, सो यू विल से दैट डायफ्राम ऑफ द स्टेथोस्कोप, क्यों, क्योंकि ये हाई पिच का है, क्यों, क्योंकि ये यहां से यहां ब्लड आ रहा है और यहां पर प्रेशर ग्रेडियंट क्या है ज्यादा है, तो आप इसको डायफ्राम से सुनेंगे, जी पिच ज्यादा है, प्रेशर ग्रेडियंट हम देखेंगे, ये जो VSD मर्मर होगा जी जी वो वेरी उसकी जो साउंड होगा या लो या हाई उसके डायमीटर पे वेरी करेगा, नहीं करेगा डायमीटर पे भी वेरी करेगा, वो तो हमने पीछे पढ़ा है डायमीटर पे वेरी करेगा, यहाँ पर हम पिच की बात कर रहे हैं, नॉट टॉकिंग अबाउट द इंटेंसिटी, साउंड इज योर इंटेंसिटी, नॉट टॉकिंग अबाउट द पिच, क्या आप इसको बेल से सुनने जा रहे हैं या फिर स्टेथोस्कोप से सुनने जा रहे हैं। सो मूवमेंट ऑफ द ब्लड फ्रॉम हाई प्रेशर ग्रेडियंट लेफ्ट वेंट्रिकल टू द लो प्रेशर ग्रेडियंट राइट वेंट्रिकल ग्रेटर पिच मर्मर, क्यों, क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट ज्यादा है, हर्ड बाय द डायफ्राम ऑफ द स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट इज योर माइट्रल स्टेनोसिस। अब देखें माइट्रल स्टेनोसिस क्या होती है, अगेन एट्रिया, डॉक्टर मरूर समझ आ रहा है, ये आपके एट्रिया, ये आपके वेंट्रिकल, ये आपका माइट्रल स्टेनोसिस। जब माइट्रल स्टेनोसिस होगी मतलब यहां पे वाल्व ब्लॉक है ना, तो यहां से एट्रिया प्रेशर बढ़ाएंगे अपना और यहां से भेजेंगे, तो जब यहां से छोटे से सुराख से ब्लड गुजरेगा, टर्बुलेंट ब्लड फ्लो होगा, इट विल प्रोड्यूस द मर्मर, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दैट मर्मर,
माइट्रल स्टेनोसिस मर्मर एंड नाउ टेल मी दैट यहां पर प्रेशर ग्रेडियंट ज्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा, क्यों? क्योंकि एट्रियम में प्रेशर क्या होता है? एट्रियम में प्रेशर जितना भी ज्यादा हो वेंट्रिकल की निस्बत क्या होता है? कम। वेंट्रिकल में प्रेशर ज्यादा होता है, एओर्टा में प्रेशर भी ज्यादा होता है, पल्मोनरी आर्टरी में भी प्रेशर ज्यादा होता है, लेकिन एट्रियम में प्रेशर क्या होता है? कम। सो एट्रियम में प्रेशर बढ़ रहा है एओर्टिक स्टेनोसिस के खिलाफ, सॉरी माइट्रल स्टेनोसिस के खिलाफ, लेकिन प्रेशर फिर भी कम है, मेरी स्पीड ज्यादा तेज तो नहीं है। तो एक सेकंड वेट, जो जब प्रेशर यहां पर कम है, जब प्रेशर कम है तो पिच क्या होगी? कम। सो आप इसको किससे सुनेंगे? बेल ऑफ द स्टेथोस्कोप। एक सेकंड डॉक्टर जी, मेरे आपको क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लेफ्ट एट्रियल प्रेशर इंक्रीजेस टू पंप द ब्लड थ्रू माइट्रल वाल्व टू लेफ्ट वेंट्रिकल ड्यू टू स्टेनोसिस। इंक्रीज इन प्रेशर इंक्रीज द टर्बुलेंट ब्लड फ्लो प्रोड्यूस मर्मर विद लो पिच। क्यों? बिकॉज एट्रिया टू वेंट्रिकल ब्लड फ्लो इज नॉट हाई प्रेशर ग्रेडियंट एज कंपेयर टू वेंट्रिकल टू एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक प्रेशर ग्रेडियंट बहुत ज्यादा होता है। ये क्या होता है? कम। सो इट विल हर्ट विद द बेल ऑफ द स्टेथोस्कोप क्योंकि लो पिच है। डॉक्टर जवेरिया योर क्वेश्चन। No, not Dr. Javeri. It doesn't depend upon the pressure of the sides of the heart. It depends upon the murmur. कि आप कौन सा murmur सुनना चाह रही हैं? Let's suppose that pressure वो आप देखें pressure पे मैंने पहले तो pressure नहीं कहा, मैंने pressure तभी कहा जब मैंने कोई specific क्या पकड़ा? murmur पकड़ा, specific murmur पकड़ा। अब इस तरह कह सकते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल की वजह से जो मर्मर सुनाई देते हैं वो हाई पिच हो गए। अच्छा, लेफ्ट वेंट्रिकल की वजह से कौन कौन से आपको सुनाई देते हैं फिर? एक तो आपको कौन सा सुनाई देगा? आपको बीएसडी। एक तो उसी से आपको कौन सा सुनाई देगा? एओर्टिक स्टेनोसिस। तो ये हाई पिच होंगे, आप इस तरह उनको अज्यूम कर सकती है। हाँ, प्रेशर से रिलेशन ना बनाए आप, ठीक है? तो ये उस वाले से था, ठीक है? विद द बेल ऑफ द स्टेथोस्कोप ये एमएस एओर्टिक स्टेनोसिस अभी आ गए। ये फिर एओर्टिक स्टेनोसिस क्या होता है? ये एट्रिया, ये वेंट्रिकल्स, ये एओर्टा, यहां पर आपका स्टेनोसिस वाल्व क्या हो गया है? स्टक हो गया, ठीक है? अब बताएं, यहां से जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे इधर प्रेशर बढ़ेगा, इधर से ब्लड बहर जाएगा, इट विल प्रोड्यूस द मर्मर, प्रोड्यूस करेगा ना मर्मर। अब ये हाई पिच होगा कि लो पिच होगा? क्योंकि वेंट्रिकल्स की वजह से आ रहा है। लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है? ज्यादा। देखें, लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेशर इंक्रीजेस टू पंप ब्लड थ्रू एवी यानी एओर्टिक वाल्व टू द एओर्टा ड्यू टू स्टेनोसिस। टर्बुलेंट ब्लड फ्लो इंक्रीजेस प्रोड्यूस मर्मर विद हाई पिच ड्यू टू हाई प्रेशर ग्रेडियंट हर्ड विद द डायफ्राम। आपने क्या, मैं आपको मर्मर दूंगा, आपने देखना है कि ये मर्मर कहां पे है, हाई पिच रहे कि लो पिच रहे, वो अपने प्रेशर ग्रेडियंट से देखना है। हाई पिच रहे तो डायफ्राम, लो पिच रहे तो बेल ऑफ द स्टेथोस्कोप। समझ आ गया है? सॉरी, डायफ्राम ऑफ स्टेथोस्कोप, बेल ऑफ द स्टेथोस्कोप। उसके बाद है माइट्रल रीगर्जिटेशन। अब माइट्रल रीगर्जिटेशन किसकी वजह से होती है? वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। किसकी वजह से? वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड वापस मूव करते हैं आपके एट्रिया में, तब भी। अब ये किसकी वजह से हो रहा है? वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल की वजह से। माइट्रल रीगर्जिटेशन लेफ्ट वेंट्रिकल की वजह से। प्रेशर ग्रेडियंट, पिच पिच ज्यादा तो सुनाई, डायफ्राम। देखें, ब्लड फ्लो बैक फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू लेफ्ट एट्रिया विद हाई प्रेशर ग्रेडियंट ड्यूरिंग सिस्टली, मतलब जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, प्रोड्यूस मर्मर विद हाई पिच हर्ड विद डायफ्राम ऑफ द बेल। डिड यू गेट द पॉइंट डॉक्टर नदीम? सिंपल से है ना, आसान चीज है, बस ये याद रखना मुश्किल है। जब अभी मैं इसके बाद एक एमसीक्यूज पूछता हूँ पता चल जाएगा कहाँ बैठे हुए आप लोग, इधर ही बैठे हुए हैं कि डॉक्टर अभिया आर यू हेयर, डॉक्टर अभिया आर यू हेयर? एओर्टिक रीगर्जिटेशन, एओर्टिक रीगर्जिटेशन देखें, ये आपके एट्रिया, ये आपके वेंट्रिकल्स, ये आपका एओर्टा, ये आपका एओर्टिक वाल्व, एओर्टिक वाल्व में रीगर्ज है यानी एओर्टा से ब्लड वेंट्रिकल में वापस मूव कर रहा है। अब मुझे बताएं हाई प्रेशर की लो प्रेशर ग्रेडियंट? हाई प्रेशर एओर्टा में, हाई प्रेशर क्योंकि एओर्टा में क्या होता है? डॉक्टर जवेरिया प्लीज फोकस, एओर्टा में प्रेशर क्या होता है? हाई होता है।
यूरेट्रा में प्रेशर क्या होता है? हाई. सो इट विल बी अगेन हाई प्रेशर ग्रेडिएंट, इट विल बी हाई पिच्ड साउंड विद द बेल ऑफ द स्टेथोस्कोप. इट्स सो इजी. अभी तो बहुत आसान है, आगे देखता हूं मैं. ब्लड फ्लो बैक फ्रॉम यूरेट्रा टू लेफ्ट वेंट्रिकल विद हाई प्रेशर ग्रेडिएंट ड्यूरिंग डायस्टली, जब वो रिलैक्स करेंगे. मर्मर विद हाई पिच हर्ड विद डायफ्राम आर सॉरी इट विल हर्ड विद डायफ्राम नॉट आर बेल. ये यहाँ पे मिस्टेक्स है राइटिंग में. इट विल हर्ड विद डायफ्राम ऑफ द बेल, डायफ्राम ऑफ द स्टेथोस्कोप. स्टेथोस्कोप के डायफ्राम सुनाई देगा. ठीक है. नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू. आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू दैट के मेरे पास एक मर्मर आया, वो क्या है? मैं कहता हूँ लो पिच है. क्या है? लो पिच है. और मैंने उसको डायफ्राम से सुना है. बताइए कौन सा मर्मर होगा? लो पिच को तो आप, लो पिच को तो आप डायफ्राम से सुन ही नहीं सकते, बेल से सुनेंगे. तो बताइए कौन सा मर्मर है. मैं ऑप्शन देता हूँ वी एस जी, माइट्रल रिगर्जिटेशन, माइट्रल स्टेनोसिस, एंड मैं आपको ऑप्शन देता हूँ ईओल्टिक रिगर्जिटेशन. प्लीज टेल मी. ईओल्टिक रिगर्जिटेशन? नहीं डॉक्टर, चला नो. माइट्रल स्टेनोसिस. लो देखें, लो पिच देखनी है आपने. लो पिच, लो प्रेशर ग्रेडिएंट. माइट्रल स्टेनोसिस इट प्रोड्यूस ड्यू टू प्रेशर ऑफ द एट्रिया. एट्रियल प्रेशर इज, ये देखें, ये देखें, ये यहां पे स्टेनोसिस है. जब ये प्रेशर आएगा यहां से नीचे तो तब ग्रेडिएंट पैदा होगा. ये एमएस है ना यहां पर, तो तब इसका प्रेशर तो कम होता है, तो लो पिच होगा. ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को माइंड को थोड़ा थोड़ा सा ओपन करके बैठे. ठीक है, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है. हाँ, सिवाय इसके बाकी सारे हाई पिच है, इसलिए मैंने पूछा क्वेश्चन इस तरह वाला. चले इंटेंसिटी, इंटेंसिटी करने के बाद एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे सबको मिला के. ठीक है, क्वेश्चन क्वेश्चन सब कुछ मिला के. नाउ टॉक अबाउट द इंटेंसिटी. बस इंटेंसिटी करते हैं फिर क्लास खत्म करते हैं. ग्रेड इंटेंसिटी होता है ग्रेड 1 to 6. ठीक है, अब ये मैं बताता हूँ ग्रेड 1 to 6 क्यों रखते हैं. अभी देख लेंगे ये होते क्या है. ग्रेड 1 क्या होता है, ग्रेड 2 क्या होता है. ग्रेड 1 होता है कि सुपर फेंट मर्मर, डिफिकल्ट टू हेयर. आपने स्टेथोस्कोप लगाई चेस्ट के ऊपर, आपको उनकी साउंड, मर्मर की साउंड सुनाई नहीं दी. कोई भी मर्मर की साउंड कहीं पर भी सुनाई नहीं दी. इट डज मीन दैट के जो मर्मर की जो ग्रेड है वो क्या है, ग्रेड 1 है. फिर ग्रेड 2 है कि मर्मर की जो साउंड है वो फेंट है बट कैन बी हर्ड इफ केयरफुली. अगर एक अच्छा वो हो कार्डियोलॉजिस्ट, उसको गौर से सुने, केयरफुली सुने, तो उसको सुनाई देती है लेकिन हल्की सी होती है. और अगर इस तरह सुनाई दे रही हो तो हम कहते हैं ये ग्रेड 2 है. ग्रेड 3 इजिली हर्ड. अगर आपको इजीली वो सुनाई दे रही है, आराम से मर्मर के साउंड सुनाई दे रही है, इट डज मीन दैट उसका ग्रेड कौन सा है, ग्रेड 3 है. नाउ वी टॉक अबाउट ग्रेड 4. ग्रेड 4 में आपको जो मर्मर होता है वो लाउडर होता है, वो बड़ा इजीली और सुकून से सुनाई दे रहा होता है. प्लस 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 क्या होता है कि पल्पेबल थ्रिल विद हैंड और स्टेथोस्कोप ओवर द चेस्ट. जैसे ही आप उस बंदे के ऊपर अपना हाथ रखेंगे जिसको मर्मर्स है, या फिर अपनी स्टेथोस्कोप रखेंगे, सो इट विल गिव्स द वाइब्रेशनल सेंसेशंस. क्या देगा वो? वाइब्रेशन सेंसेशन. तो आपको वाइब्रेशन सेंसेशंस देगा, मतलब आपको वो क्या देगा, पल्पेबल थ्रिल देगा. अब आपने बंदे के ऊपर हाथ रखा, पेशेंट के ऊपर स्टेथोस्कोप रखी, तो आपको एक तो जो मर्मर है वो लाउडर सुनाई दे रहा है आराम से, और वहां पे क्या है, पल्पेबल थ्रिल है, वाइब्रेशनल सेंसेशंस है. इट डज मीन दैट उसका जो ग्रेड है वो कौन सा है, 4th ग्रेड है. नो, ग्रेड 5. इट विल बी लाउडर मर्मर. इसी तरह इट विल बी पल्पेबल थ्रिल व्हेन स्टेथोस्कोप इज इवन बेरली ऑन द चेस्ट. इधर आपने स्टेथोस्कोप उसकी चेस्ट के ऊपर लगा दी थी, रख दी थी. अब ग्रेड 5 में अभी आपने स्टेथोस्कोप उसके उसकी चेस्ट पे सही तरह से रखी भी नहीं होगी. अभी वो थोड़ा सा दूर होगी, थोड़ा थोड़ा टच कर रही होगी, थोड़ा थोड़ा टच कर रही होगी, कि आपको पहले ही मर्मर भी सुनाई देने लग जाएगा और आपको वाइब्रेशनल सेंसेशन, वाइब्रेशनल आपको पल्पेबल थ्रिल भी सुनाई देने लग जाएगी. अगर ऐसा होगा तो आप बोलेंगे ग्रेड कौन सा है, 5. सो ग्रेड 5 समझ आ गया कि अभी आपने स्टेथोस्कोप उसके करीब लेके गए थे, हल्का सा उसने टच किया तो आपको वाइब्रेशनल थ्रिल और मर्मर दोनों सुनाई देने लगे. इट्स ग्रेड 5. ग्रेड 6 के मर्मर लाउडर है, उसी तरह वाइब्रेशनल पल्पेबल थ्रिल है,
When stethoscope is even over the chest wall, पिछली बार तो आपने थोड़ा सा टच किया था, अभी उसके करीब लेके गए, हवा में है, टच भी नहीं की स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप अभी हवा में है, आपको मर्मर भी सुनाई देगा और आपको परपेबल थ्रिल भी सुनाई देगा, इट विल बी द ग्रेड 6। सो ग्रेड 1, 2, 3, 4, 5, 6 समझ आ गए, ठीक है। तो इसका क्लिनिकल कोरिलेशन क्या है कि हम ये क्यों पढ़ते हैं ग्रेड 1, हम कहते हैं ग्रेड 4 का मर्मर है, व्हाट डज इट मीन, हम कहते हैं ग्रेड 5 का मर्मर है, हम कहते हैं ग्रेड 3 का, अगर आपका मर्मर हो 1 से लेकर 3 तक, इट्स नॉट पैथोलॉजिकल, इट्स नॉट, हम कहते हैं कि ये बिनाइन है, ये क्या है, ये नुकसानदेह नहीं है। अगर ये 4 to 6 के बीच में है, यानी आपने स्टेथोस्कोप रखी, अभी स्टेथोस्कोप उसको बेरली टच कर रही थी कि आपको मर्मर भी सुनाई दिया और आपको वाइब्रेशनल थ्रिल भी सुनाई दी, इट डज मीन दैट ये कौन सी ग्रेड है, 5 ग्रेड है, ओ माय गॉड, इसको तो मर्मर ज्यादा हुआ हुआ है, इट डज मीन दैट ये पैथोलॉजिकल है, ये क्या है, ये इसको डिजीज हो चुकी है, ये पैथोलॉजिकल मर्मर है। और अगर बड़ी मुश्किल से सुनाई दे रहा है, हाथ रखे वाइब्रेशनल सेंसेशन भी नहीं आ रही, बड़ी मुश्किल से सुनाई दे रहा है, इट विल बी बिनाइन, नॉट पैथोलॉजिकल, सिंपल से, ठीक है, समझ आ गया, नहीं समझ आया, आसान सा था। तो क्लिनिकल कोरिलेशन देखें, ग्रेड 1, 2, 3 हो तो लेस इंटेंस है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, कम है, नॉट पैथोलॉजिकल और बिनाइन मर्मर्स। अगर ग्रेड 4, 5, 6 है तो मोर इंटेंस है एंड आर पैथोलॉजिकल मर्मर्स, ठीक है, आसान से। तो ये एग्जांपल्स देखते हैं फिर से, ये एक्सेप्शंस हैं, एग्जांपल्स नहीं है, एक्सेप्शंस हैं। हमने अभी क्या देखा कि अगर मर्मर कम इंटेंसिटी, कम मतलब वो क्या है, बेनाइन है, ऐसे कहा ना हमने, हमने कहा मर्मर ज्यादा इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ज्यादा का मतलब ग्रेड ज्यादा, और वो क्या होगा, पैथोलॉजिकल। अभी हमने ये चीजें देखी ना कि अगर ग्रेड ज्यादा होगा तो वो पैथोलॉजिकल होगा, ग्रेड कम होगा तो वो बेनाइन होगा। अब देखें, अब यहां पर एक्सेप्शन है, वो कैसे, अब कहेंगे वो कैसे, अभी हम पीछे पढ़ के आए, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, वीएसडी याद करें जरा, वीएसडी क्या थी, सवाल पूछने वाला था आपसे, पूछने वाले थे ना, तो ये आपका वीएसडी है, वो ये आपने डायमंड वाला क्वेश्चन पूछा था। अब मैं कहता हूं वीएसडी का सुराख कम है, इतना सा छोटा सा फिदू सा है, इसका डायमीटर क्या है, छोटा। टर्बुलेंट ब्लड फ्लो, ज्यादा वेलोसिटी, मर्मर डिजीज पैथोलॉजिकल ज्यादा है, कम है, कम है, सुराख क्या है, छोटा, एक्सेप्शन, इट्स एक्सेप्शन केस, इट्स अ एक्सेप्शन केस। हालांकि देखें मर्मर ज्यादा आ रहा है, ग्रेटर इंटेंसिटी का आ रहा है, आपको मर्मर सुनाई देगा 5 इंटेंसिटी का, 6 इंटेंसिटी का, तो आप कहेंगे यार इसका ग्रेड ज्यादा है, मतलब डिजीज होगी, पैथोलॉजिकल होगा, लेकिन पैथोलॉजिकल होता है लेकिन लेस इंटेंस होता है, पैथोलॉजिकल कम होता है, क्यों, क्योंकि सुराख अभी क्या है, कम, डायमीटर कम, तो स्पीड ज्यादा, तो मर्मर आपको ज्यादा सुनाई दे रहा है। अब उलट देखें, अगर ये ज्यादा है, ये अब ये वाला है, ये वाला है, डायमीटर ज्यादा, टर्बुलेंट ब्लड फ्लो, वेलोसिटी और इंटेंसिटी कम, हालांकि इंटेंसिटी फर्स्ट 3 ग्रेड में आ रही है, या 1 का होगा या 2 का होगा या 3, आप कहेंगे इट इज लेस इंटेंस, सो इट इज बिनाइन, बट इट विल नॉट बी बिनाइन, इट विल बी मोर पैथोलॉजिकल इन केस ऑफ वीएसडी, सिर्फ वीएसडी के केस में। सो एक्सेप्शन कहां पे होती है, आपकी वीएसडी। तो ये वीएसडी समझ आ गया कि इसमें एक्सेप्शन किस तरह होती है, नहीं समझ आया, आ गया ना समझ, पक्की बात है। तो आगे हमारी है टाइपिंग एंड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो अब मैं एक एमसीक्यूज बनाता हूं यहां तक, देन यू विल सॉल्व दैट एमसीक्यू, ओके कि नहीं, मेरे ख्याल में मैंने बनाई हुई थी, या फिर से बना लूं कोई और, चलिए ये तो बाद में पढ़ाऊंगा, ये बाद में आएगी। अच्छा, आसान सी होगी, आसान, सिंपल सी होगी। मैं कहता हूं कि साउंड जो है वो रंबलिंग है, म्यूजिकल साउंड है, कौन सी क्वालिटी, कौन सी है उसकी, म्यूजिकल है। और मैं कहता हूं कि ये रेडिएट कर रहा है, बल्कि इसकी रेडिएशन छोड़ दे, इसकी रेडिएशन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती,
इसकी रेडिएशन ज़रा इंपॉर्टेंट नहीं होती, ये म्यूजिकल है ठीक है। और क्या देखनी होती है इसकी, है रेडिएशन तो हो गया, और लोकेशन। मैं कहता हूँ कि ये आपको सुनाई दे रहा है अब्स पॉइंट के ऊपर, कहाँ पर, अब्स पॉइंट के ऊपर। और मैं कहता हूँ कि ये हाई पिच्ड है, ये क्या है, हाई पिच्ड है। और कौन सी चीज रह गई, और मैं कहता हूँ इसकी इंटेंसिटी मोर देन 4 है, और कौन सी चीज रह गई, बस प्लीज टेल मी दैट, ये कौन सा, एओल्टिक रिगर्जिटेशन है। कैसे आपने देखा, म्यूजिकल है तो रिगर्ज होगी, रिगर्ज कौन से थे, ए आर एम आर, फिर मैंने कहा अब्स पॉइंट के ऊपर, तो यही ही पता चल जाना चाहिए था कि ए आर है, क्योंकि एम आर कहां पर सुनाई देता है आपको, एपेक्स के ऊपर। फिर मैंने कहा हाई पिच्ड है, तो ये भी हाई पिच्ड होता है, ये भी हाई पिच्ड होता है, दोनों हाई पिच्ड होते हैं। फिर मैंने कहा कि ये इंटेंस है, तो दोनों इंटेंस होते हैं, दोनों पैथोलॉजिकल है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ कहां पे था, लोकेशन। सो लोकेशन मोर 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 मैटर्स, इसलिए मैं पहले भी आपको बता रहा था कि लोकेशन के ऊपर आपने उसका वो करना है, ठीक है। तो बस ये था आज का लेक्चर, कल हम इसको मजीद देखेंगे डिटेल में मर्मर्स को, तो फिर उसके बाद हम यूएसएमएल के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। यहां तक कोई क्वेश्चन हो, मेरी बात याद रखें प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आप चाहते हैं आपको कल इजीली समझ आए, क्योंकि कल हम मजीद कम्प्लेक्स जाएंगे, तो जो लेक्चर मैंने अभी पढ़ाया है इसको लाजमी रिवाइज करके आइएगा, खासकर लोकेशंस, रेडिएशंस और क्वालिटी, ये तीन चीजें, इनको रट्टा मार के आइएगा, ठीक है, कि ये क्या क्या होता है, ठीक है। सो कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें, अदरवाइज क्लास डिसमिस। ओके, अल्लाह हाफिज़।